गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ओलिगोपोली बाकी था अपना, मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन हम पढ़ चुके थे, आज ओलिगोपोली पढ़ते हैं। ओलिगोपोली की सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। ओलिगो मींस फ्यू एंड पोली मींस सेलर। पोली तो हर जगह सेलर रहता है, यहाँ मोनो मतलब एक था, यहाँ पे ओलिगो मतलब फ्यू, यानी किसी भी चीज़ के फ्यू सेलर है। एग्जाम्पल, ये जो हम सिम खरीदते हैं टेली कम्युनिकेशन कंपनी, कितने हैं? फ्यू है सर, उंगली पे हैं। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक की कंपनी कितनी है? दो बड़ी कंपनी है, पेप्सी और कोका कोला। आई बात समझ में? तो फ्यू सेलर्स किसी भी कमोडिटी के रहेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओलिगोपोली। ठीक है, आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, दस ओलिगोपोली रिफर्स टू द मार्केट स्ट्रक्चर वेयर द फ्यू सेलर्स वेयर देयर आर फ्यू सेलर्स ऑफ फर्म्स। दे प्रोड्यूस एंड सेल सच गुड्स विच आर आइदर डिफ्रेंशिएटेड और होमोजीनियस। कोका कोला का स्लाइस आता है, पेप्सी का माजा आता है, जो पेप्सी आती है नॉर्मल, कोका कोला का भी कोल्ड ड्रिंक आता है, उसका सेवन अप आता है, उसका माउंटेन ड्यू आता है, स्प्राइट आता है, ये सब क्या है? होमोजीनियस ही है, बट डिफ्रेंशिएटेड कैसे है? ब्रांड से डिफ्रेंशिएटेड, बस बाकी कुछ भी नहीं है। ओलिगोपोली इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आइडिया, एयरटेल, हच, बीएसएनएल, टी इंडस्ट्री एक्सेट्रा, ये सब कुछ एग्जाम्पल है किसके? ओलिगोपोली के। अब कुछ टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली दिए दोस्तों, एक एक बार हम इसको देख लेते हैं। एक है प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली, इसके अंदर प्रोडक्ट होमोजीनियस रहता है। इसके अंदर क्या रहता है? प्रोडक्ट होमोजीनियस रहता है, तो इसको प्योर ओलिगोपोली बोलता है, परफेक्ट ओलिगोपोली बोलते हैं। एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। एल्यूमिनियम आप किसी भी दुकान से लो, किसी भी फैक्ट्री से लो, वो एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम ही रहेगा, तो प्रोडक्ट क्या हुआ? होमोजीनियस। स्टील इंडस्ट्री, स्टील एक सरीका रहेगा, हाँ ग्रेड अलग अलग रहते हैं, लेकिन हर ग्रेड का जो स्टील है, हर इंडस्ट्री कोई भी बनाएंगी वो एक सरीका रहेगा। इसके बाद है ओपन ओलिगो, सॉरी डिफ्रेंशिएटेड ओलिगोपोली। डिफ्रेंशिएटेड मतलब इम्परफेक्ट। अब प्रोडक्ट में कुछ तो भी फर्क है, जैसे जो टॉयलेट प्रोडक्ट्स रहते हैं, एसिड रहते हैं, वो सब भले ही अलग अलग कंपनी के रहे, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ केमिकल कंपोजिशन अलग रहता है। आई बात समझ में? तो ऐसे केस पे हम बोलते हैं इम्परफेक्ट ओलिगोपोली, यानी प्रोडक्ट पे कुछ तो भी डिफरेंशिएशन है, चाहे कोई भी कंपनी का हो। तीसरा है ओपन। ओपन मतलब याद है अपने को, पर मोनोपोली के अंदर देर इज नो परफेक्ट देर एंट्री टू द न्यू फर्म्स वॉज बैंड। मोनोपोली के अंदर कोई भी फर्म आके बिजनेस नहीं कर सकती, यहाँ पे ऐसा नहीं है, कोई भी फर्म जब चाहे बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। देर इज ओपन ओलिगोपोली वेर ऑलरेडी ओपन ओलिगोपोली वेर न्यू फर्म्स कैन एंटर द मार्केट एंड कम्पीट विथ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म्स। तो क्लोज्ड ओलिगोपोली क्या हुआ? एग्जैक्ट इसका अपोजिट, मतलब एंट्री बैन है, वेर एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स इज रिस्ट्रिक्टेड। समझ आया ओपन क्लोज? इसके बाद कोल्यूसिव। कोल्यूसिव मतलब सब मिलके, वेर सम फर्म्स कम टूगेदर इन कॉमन अंडरस्टैंडिंग एंड एक्ट इन कोल्यूशन विथ ईच अदर इन फिक्सिंग प्राइस एंड आउटपुट। प्राइस और आउटपुट फिक्स करने के लिए दोनों आपस में आ गए साथ में, कार्टेल बनाना, ग्रुप बना लेना, प्राइस ज़्यादा चार्ज करने के लिए, तुम भी यही प्राइस चार्ज करो, हम भी यही प्राइस चार्ज करेंगे, ऐसे बोलते हैं कोल्यूसिव ओलिगोपोली, साथ में आ गए, क्योंकि सेलर्स कितने हैं? फ्यू है, फ्यू सेलर्स साथ में आपस में आ सकते हैं। फ्यू सेलर्स मतलब तीन चार पांच होंगे, तो साथ में आपस में मिलके उन्होंने प्राइस तय कर लिया, आउटपुट तय कर लिया, एरिया भी तय कर लेंगे, तुम यहाँ बेचो हम यहाँ बेचते, तो इसको बोलते हैं कोल्यूसिव। इसका अपोजिट होता है कॉम्पिटिटिव, आपस में साथ में नहीं आ रहे, तुम तुम्हारा देखो हम तुम्हारा देखेंगे, तो हम हमारा देखेंगे, ऐसे में क्या होगा? प्राइस में कॉम्पिटिशन होगा, इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली वेयर देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग और कोल्यूशन अमंग द फर्म्स। इसके बाद पार्शियल ओलिगोपोली। पार्शियल मतलब लिमिट, कुछ हद तक, और फुल मतलब पूरा। पार्शियल वेयर देयर इज इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय वन लार्ज फर्म विच इज लुक्ड अपॉन बाय अदर फर्म्स एज अ लीडर टू द ग्रुप। द डोमिनेटिंग फर्म विल बी द प्राइस लीडर। कई बार हम कोई कोई प्रोडक्ट के अंदर ऐसा देखते हैं कि भैया इसमें सबसे बेस्ट कौन सा है, बेस्ट यानी ये इंडस्ट्री के अंदर, जैसे नमक की अगर हम बात करें तो टाटा सॉल्ट सबसे फेमस ब्रांड है, वो मार्केट लीडर हो गया, टाटा सॉल्ट का प्राइस क्या? 20 रुपये। तो बाकी जो लोग रहते हैं ना, उससे अपने प्राइस का कंपैरिजन करते हैं, देखो टाटा से हमारा प्राइस इतना सस्ता है, या टाटा नमक जितना ही हमारा प्राइस है, हमारी प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है, ऐसा डिफ्रेंशिएट किया जाता है। ठीक है, एक मार्केट लीडर बन जाता है अपने आप ही,
समझने लग जाते लोग उसको मार्केट लीडर, और जो उसका प्राइस रहता लोग उसके इर्द गिर्द अपना प्राइस रखते हैं, आसपास रखते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पार्शियल ओलिगोपोली। तो फुल क्या हुआ, ऐसा कोई प्राइस लीडरशिप नहीं है, जिसको जो प्राइस रखना है वो अपने हिसाब से रख रहा है, ऐसे ऐसे केस में बोलते हैं फुल ओलिगोपोली। इसके बाद आता है सिंडिकेटेड ओलिगोपोली। सिंडिकेटेड मतलब सब साथ में मिलके सिंडिकेट बनाना, वेयर द फर्म सेल देयर प्रोडक्ट टू सेंट्रलाइज सिंडिकेट। आपने एक सेंट्रलाइज सिंडिकेट बना लिया और उसके अंदर से हम जिसको जो प्रोडक्ट खरीदना है, एक बायर आता है और अपना अपना प्रोडक्ट जिसको जो चाहिए खरीद के जाता है। इसका अपोजिट क्या होगा, ऑर्गेनाइज्ड, वेयर द फर्म ऑर्गेनाइज देम सेल्फ, खुद आते हैं इनटू सेंट्रल एसोसिएशन फॉर फिक्सिंग प्राइस आउटपुट एंड कोटा। आप लोगों ने कभी ये सुना है जैसे क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन, ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन, जो तरह के लोग बिजनेस करते हैं, मान लीजिए कपड़े वाले हो गए या ग्रेन वाले हो गए, ग्रेन यानी किराना वाले हो गए, इन सब की एक एसोसिएशन बन जाती है, शेयर ब्रोकर एसोसिएशन। तो ये सारी जो एसोसिएशन है ये आपकी ऑर्गेनाइज ओलिगोपोली है। एक सेंट्रल एसोसिएशन रहती है जो प्राइस फिक्स करती है और बाकी सबको जो जो उस एसोसिएशन के मेंबर हैं उनको वो सारी चीज़ें फॉलो करना पड़ता है। इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज ओलिगोपोली। अब ये टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली सिर्फ आपको पूछा जा सकता है एग्ज़ाम के अंदर, कि भाई आपको पूछा जाएगा, मान लीजिए डेफिनेशन लिख दी कि क्लोज वेयर द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स इज रिस्ट्रिक्टेड, ऐसी ओलिगोपोली को कौन सा ओलिगोपोली बोलेंगे, तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको देना पड़ेगा भैया क्लोज्ड है, ओपन है, ऐसे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको टिक करना पड़ेगा क्लोज्ड ओलिगोपोली। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, इसके अलावा नहीं आते। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने सबके देखा था, इसका चार कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक है इंटरडिपेंडेंस, एक है इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग कॉस्ट, एक है इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व, और दूसरा है, चौथा है ग्रुप बिहेवियर। पहला देखते हैं इंटरडिपेंडेंस। क्या फर्म प्राइस के लिए, किसी आउटपुट के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट है ओलिगोपोली में? डिपेंडेंट तो सर हम हमारे ऊपर रहेंगे, हमारी जो इच्छा है प्राइस रखेंगे, है ना। तो इंटरडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पे डिपेंड होना। क्यों डिपेंड है, क्या सच्ची में है क्या डिपेंडेंट आपको लगता? लगता तो कैसे लगता? एग्जैक्ट। पेप्सी की बोतल 10 रुपए की आती है मान लीजिए, कोका कोला की भी बोतल उतने की ही आती है। कोका कोला वाला बोलता है मैं प्राइस कम करता हूँ, मैं करता हूँ प्राइस कम, 8 रुपए उसने कर दिए। इमीजिएटली 3-4 दिन में पेप्सी की भी एडवर्टीजमेंट आना स्टार्ट हो जाती है, वो भी 8 रुपए कर देता है। ऐसा देखा होगा आप लोगों ने, हाँ कि ना? अगर मान लो नहीं किया उसने 8 रुपए, नहीं मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ किसी पे, मैं मेरा ही ब्रांड चलाऊंगा, मैं 10 ही रखूँगा, आप क्या करूँगे? सर कोका कोला पीना स्टार्ट कर देंगे, कोका कोला कोई ख़राब ब्रांड तो है नहीं, जो जैसी पेप्सी मिलती है सेम वैसा ही कोका कोला रहता है, आप क्या करोगे? कोका कोला इमीजिएटली पीना स्टार्ट कर दूंगा, हाँ कि ना? तो ये होता है इंटरडिपेंडेंस, यानी फर्म इंडिपेंडेंट नहीं है प्राइस डिसीजन के लिए। सारे के सारे जो जो लोग फ्यू सेलर जो फ्यू है वो सब ने क्या प्राइस रखा, उसी के आसपास हमको हमारा प्राइस रखना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किए तो हमारा आउटपुट ही नहीं बिकेगा, बराबर है। इसको बोलते पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरडिपेंडेंस। Therefore, it has to consider possible reaction to its rival price output decision. अभी जैसा आप लोगों ने बताया कि सर एक आदमी प्राइस चेंज कर देगा तो दूसरा भी प्राइस चेंज कर देगा, तो प्राइस के कारण डिमांड बढ़ेंगी नहीं फिर? यहाँ पे हमारे प्राइस कम करने का कुछ असर होगा क्या? आपने प्राइस क्यों कम किया, ताकि सेल थोड़ा बढ़ जाए, लेकिन आपके कम करते ही दूसरे ने भी कर दिया, तो जितनी डिमांड पहले थी उतनी रहेंगी, उल्टा प्रॉफिट कम हो गया। तो ऐसे केसेस में इम्पोर्टेंस किस चीज़ का बढ़ जाता है? इम्पोर्टेंस बढ़ता है एडवर्टीजमेंट का। जो ज़्यादा और अच्छी एडवर्टीजमेंट करेगा उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा, तो इसलिए इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट। ड्यू टू इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म टू हैव यूज़ ऑफ एग्रेसिव एंड डिफेंसिव मार्केटिंग टूल्स टू अचीव लार्ज मार्केट शेयर, फॉर दिस फर्म स्पेंड हैविली ऑन एडवर्टीजमेंट पब्लिसिटी सेल्स प्रमोशन टू अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर। आप ये इंडस्ट्री देख लो, टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री, इनकी एडवर्टीजमेंट ही खतरनाक आती है और आती रहती है। वोडाफोन की कितनी एडवर्टीजमेंट आती है, वो भी मैच के बीच में, कितने पैसे लगते होंगे सोच के देखो।
तो क्यों करते हैं? क्योंकि एक ही रास्ता है एडवर्टीजमेंट, दूसरा प्राइस तो कम ज़्यादा करने से कुछ असर होने वाला नहीं है, इसलिए क्या करो एडवर्टीजमेंट। एयरटेल में कैसे एडवर्टीजमेंट, वो लड़की आती ना एक छोटे बाल वाली, अब अभी बड़े हो गए उसके बाद, ठीक है ना, तो मतलब समझ आ रहा आप लोग, एडवर्टीजमेंट करते जाओ, बस यही एक रास्ता रहता है। सबसे ज़्यादा एडवर्टीजमेंट ही टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री वालों की आती है और इनकी आती है, कोल्ड ड्रिंक वालों की बहुत एडवर्टीजमेंट करते हैं लोग। प्राइस वॉर अवॉइड होता है इसमें, प्राइस वॉर नहीं रहता, तू भाव कम कर दे मैं कम कर देता, ऐसा कभी नहीं रहता, ये लोग सिर्फ एडवर्टीजमेंट करते हैं, नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन रहता है। क्या आप डिमांड कर डिटरमिन कर सकते? क्या डिमांड कर वाला प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप क्या है? प्राइस गोज अप डिमांड गोज डाउन, प्राइस गोज डाउन डिमांड गोज अप, ये आपको रिलेशनशिप मालूम है। फ्यू सेलर है आपके जैसा प्रोडक्ट दूसरा भी बेच रहा है, आप अपना डिमांड कर्व प्रिडिक्ट कर सकते क्या कि आपको आपके डिमांड कर्व के लिए दूसरे पे निर्भर रहना पड़ेगा? पहला ही कैरेक्टरिस्टिक था इंटरडिपेंडेंस, यू आर नॉट इंडिपेंडेंट यू आर इंटरडिपेंडेंट। आपने समझ लो कुछ किया और आपने आपके हिसाब से डिमांड प्रिडिक्ट किया तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दूसरा भी कुछ ना कुछ वैसा ही कर लेगा, तो आप जो प्रिडिक्शन कर रहे थे वैसा नहीं होगा। आपने 10 रुपए के 8 रुपए कर दिए, प्राइस कम करने से आपने सोच लिया अब मेरी डिमांड बढ़ जाएंगी बहन कर, लेकिन सामने वाले ने 8 के बदले 7 रुपए कर दिया, तो अब क्या होगा? आपने जो सोचा था बढ़ेंगी उल्टा आपकी कम हो जाएंगी, क्योंकि उसने कितने कर दिया 7 रुपए कर दिया। आई बात समझ में? इसलिए डिमांड कर्व प्रिडिक्टेबल नहीं है, क्योंकि आपके कुछ एक्शन करने से आपकी राइवल फर्म कौन सा रिएक्शन करेंगी ये आपको नहीं पता, इसलिए डिमांड कर्व आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आई बात समझ में? इसके बाद ग्रुप बिहेवियर क्या होता? ग्रुप बिहेवियर मतलब कभी मान लीजिए कुछ तकलीफ आती है, पेप्सी और कोका कोला पे कई बार बैन लग चुका है, जैसे ही बैन लगता है ना ये सब एक हो जाते हैं, पेप्सी वाले भी कोका कोला वाले भी सब मिलके मिनिस्ट्री में पहचान लगा के बोलो जो बैन होता है उसको वापस हटवाते हैं, ये सब एक हो जाते हैं, ग्रुप बिहेवियर। और जैसे ही ये बैन हट गया सब वापस अपना अपना देखने लग जाते। क्यों ग्रुप क्यों बनाना आसान है? क्योंकि फ्यू सेलर्स हैं, बेचने वाले लोग थोड़े से हैं, इसलिए ग्रुप बना लेते हैं। तो ये ग्रुप बिहेवियर इज वेरी अनसर्टन, द बिहेवियर ऑफ मेंबर इज वेरी अनसर्टन। देखिए जब एक आदमी रहेगा तो उसको मालूम है मेरा बिहेवियर क्या रहेगा, लेकिन जब ग्रुप आ जाता है 3-4-5 तो कि हर आदमी का बिहेवियर अलग अलग रहता है, इसीलिए बोलते हैं ग्रुप बिहेवियर इज अनसर्टन। द थ्योरी ऑफ ओलिगोपोली इज द थ्योरी ऑफ ग्रुप बिहेवियर, द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप मे एग्री टू पुल टुगेदर टू प्रमोट देयर म्यूचुअल इंटरेस्ट और फाइट फॉर इंडिविजुअल इंटरेस्ट और फॉलो द ग्रुप लीडर और नॉट। यहाँ पे वो कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ अपना अपना भी देख सकते हैं या ग्रुप के लिए भी काम कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा कई बार हर जगह देखने मिलता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लीजिए कोचिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे हम सब फैकल्टीज हैं, हम अभी तो ग्रुप के लिए काम कर रहे हैं, मतलब पूरा ग्रुप हमारा स्ट्रांग है, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है हम एक समय बाद अपने अपने लिए काम करें, सिर्फ अपनी पब्लिसिटी करें? मैं अब सिर्फ अपना बोलूं, भैया मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, इंटर में इकोनॉमिक्स भी पढ़ा रहा आप आना, मैं सिर्फ अपना बोल सकता हूँ। कैप्स के लिए बोलना रहेगा तो मैं अलग बोलूँगा, जब वो टीचर्स डे नहीं फेलिसिटेशन होता है ना तब हम सब कैप्स के लिए बोलते हैं, यस और नो? तो ये होता है ग्रुप बिहेवियर। और कौन सा मेंबर वहाँ क्या बोलने वाला है मालूम है क्या आपको? कोई अपने बारे में बोलेगा, कोई कुछ करेगा, कोई सिर्फ अपने सब्जेक्ट का ही बताएगा, तो ऐसा कुछ बता नहीं सकते, इसलिए इसको बोलते हैं ओलिगोपोली ग्रुप बिहेवियर। ठीक है, समझ आया ये? अब हम आते हैं इस पर, प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन इन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट। ये एक एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इसमें 4 अलग लोगों ने कुछ मॉडल्स दिए हैं। ये देखिए प्राइस और आउटपुट डिसीजन ये सर्टन नहीं है। क्यों सर्टन नहीं? क्योंकि हमारी राइवल फर्म क्या करेंगी ये हमको नहीं पता। तो 4 अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं, उनका कुछ कहना है, उनका कहना है, उन्होंने ऐसा सोचा, तो हम पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या सोचा। सबसे पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं।
एज सीन अर्लियर इन ओलिगोपोलिस्टिक फर्म डू नॉट नो हाउ द राइवल फर्म्स रिएक्ट टू ईच अदर डिसीजन. एक के डिसीजन लेने से दूसरी फर्म कैसे रिएक्ट करेंगी नहीं पता. देयरफॉर इट हैज़ टू बी वेरी केयरफुल व्हेन इट मेक्स डिसीजन अबाउट इट्स प्राइस. Rival firms retaliate to price change by an oligopolistic firm. Hence, the demand curve is indeterminate. Price and output cannot be fixed. Some of the important ye hi nahi hai, ye the hai. Some of the important oligopoly models are kuch economists ye jo 6-7 abhi likhe ye alag alag economists logo ka kehna hai. Main nahi keh raha, ye log kehte hai, to inhone jo kaha aapko manna padega. Matlab sabka alag alag kehna hai. कुछ का कहना है कि ओलिगोपोलिस्टिक फर्म्स जो है मेक देयर डिसीजन इंडिपेंडेंटली, वो अपना डिसीजन खुद लेते हैं. देयरफॉर डिमांड कर्व बिकम्स डेफिनेट एंड हेंस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट कैन बी डिटरमाइंड. क्या आप इनकी बात से सहमत हो? नहीं सर, ऐसा जरूरी थोड़ी. आपने डिसाइड कर लिया, अगर सामने वाले ने बराबर एंटीडोट दे दिया तो क्या होगा? ऐसा और नो हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो इसीलिए नॉट पॉसिबल, मेरे हिसाब से गलत है. लेकिन कुछ इकोनॉमिक्स का मानना है. सम बिलीव दैट, कुछ लोग मानते हैं ओलिगोपोलिस्ट कैन प्रिडिक्ट द रिएक्शन ऑफ राइवल ऑन द बेसिस ऑफ विच ही मेक्स डिसीजन अबाउट प्राइस एंड क्वांटिटी. कुछ का कहना है जैसे मैं पेप्सी वाला हूँ, आप कोका कोला वाले हो. कोका कोला वाले, देखो इंसान की एक आदत रहती है, वो आदत जाती नहीं. वैसे हर इंडस्ट्री हर कंपनी की एक आदत रहती है. कुछ कंपनी की आदत रहती है एक पे एक फ्री देना, कुछ कंपनी की आदत रहती है 50% डिस्काउंट देना, कुछ कंपनी की आदत रहती है जैसे ही राइवल प्राइस कम करता है अपने प्राइस बहुत कम कर देते, कुछ कंपनी की आदत रहती है जैसे ही राइवल प्राइस कम ज़्यादा करता है एडवर्टीजमेंट बढ़ाता है वो भी डबल तिबल एडवर्टीजमेंट कर देते. तो इससे क्या होता है, मैं आपका एक प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि आपका रिएक्शन क्या होगा. मैं सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, पक्का नहीं बता सकता. तो यहाँ पे ये बोलते हैं सम ओलिगोपोलिस्ट बिलीव्स दैट सम फर्म्स कैन प्रिडिक्ट द रिएक्शन ऑफ राइवल्स. यानी आप कोका कोला वाले हो, मैं पेप्सी वाला हूँ, मैं आपका राइवल, मैं रिएक्शन प्रिडिक्ट कर सकता हूँ. तो उस हिसाब से आप अपने डिसीजन लो, उस हिसाब से मुझे अपने डिसीजन लेना, क्योंकि मुझे मालूम है आपका रिएक्शन क्या होने वाला है. लेकिन ज़रूरी है कि हर समय आप एक ही रिएक्शन दो? कुछ ज़रूरी नहीं है, हाँ कि ना? तो इसीलिए ये भी कुछ पक्का नहीं है, लेकिन सबने कुछ कुछ बोला है तो हमको मानना है. फिर कॉर्नेट नाम का एक आदमी था, ये बड़ा काम का. ये अभी तक दो पॉइंट काम के नहीं थे, अब काम के शुरू हो गए. एग्जाम में नाम सहित पूछे जाएंगे, चार नाम ध्यान रखना. कॉर्नेट नाम का आदमी था. ये क्या बोलता, जो आउटपुट है फर्म का इज कंट्रोल्ड वेरिएबल एंड नॉट प्राइस. मतलब क्या है, आउटपुट कितना देना ये आपके कंट्रोल में है ओलिगोपोली के, लेकिन प्राइस आपके कंट्रोल में नहीं है. क्योंकि प्राइस बनाने वाली फर्म्स बहुत सारी है, लेकिन आपका आउटपुट कितना होना चाहिए आप खुद ही डिसाइड करोगे ना, हाँ कि ना? आपको क्या चिंता है 100 यूनिट बनाना कि 200 बनाना, ये राइवल फर्म से थोड़ी सीखना पड़ेगा. लेकिन प्राइस जो है वो राइवल फर्म जो तय करेंगी आपको वही रखना पड़ेगा. लेकिन ये भी पूरा सही नहीं है. पूछो क्यों? और अगर पड़ा रह गया तो? आपने बना तो लिया, आपने सोचा इतना आउटपुट बनाएंगे, दूसरी फर्म ने आपसे ज़्यादा बताया बना के सेल में डिस्काउंट में डाल दिया, तो कुछ भी हो सकता है ना. तो ये सारी, इसीलिए ये भी एकदम पक्का नहीं बोल सकते. पक्का तो कुछ भी नहीं बोल सकते, लेकिन जो जो लोगों ने बोला है वो. तो कॉर्नेट ने क्या बोला, क्या फिक्स रखना है, सॉरी क्या आपके हाथ में है, फर्म के हाथ में क्या है, आउटपुट वेरी करना कम ज़्यादा करना फर्म के हाथ में है, लेकिन प्राइस कम ज़्यादा करना फर्म के हाथ में नहीं. ये किसने बोला? कॉर्नेट ने. इसके आगे एक और आया, स्टेकलबर्ग नाम का आदमी. इसका कहना है कि लीडर फर्म कमिट्स टू एन आउटपुट बिफोर ऑल फर्म, रेस्ट ऑफ द फर्म फॉलो इट टू चूज देयर ओन लेवल ऑफ आउटपुट. मतलब क्या हुआ, ये लीडर फर्म एक आउटपुट तय कर लेंगी, सबको बता देगी, और बाकी लोग उसको बराबर फॉलो करेंगे और अपना लेवल ऑफ आउटपुट चूज करेंगे. अब ये कैसे होता है, ये मार्केट शेयर के हिसाब से होता है. मान लीजिए मैंने आपको एक पाई चार्ट दिखाया था शैम्पू के मार्केट के सेशे का, याद है आपको? उसके अंदर 46% यूनिलीवर का बिकता है. अगर यूनिलीवर बोल दे कि मैं तो 46 सेशे बनाऊंगा, इसका मतलब हम समझ जाएंगे 100 में से 46 तो इसके पूरे बिक जाएंगे. यानी हमने क्या करना चाहिए, हमारा जितना मार्केट शेयर है उतना ही हमने बनाना चाहिए.
आई बात समझ में? तो ये होता है कि इन्होंने बोला लीडर फर्म जो है वो आउटपुट तय कर लेंगे और कमिट कर लेंगे, मैं इससे ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, और बाकी लोग जो है वो उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, बस ऐसा इसका कहना है। उसके बाद एक बेल्ट्रेंड मॉडल है, वो कहता है प्राइस इज द कंट्रोल वेरिएबल ऑफ फर्म्स एंड देयरफॉर ईच फर्म सेट द प्राइस इंडिपेंडेंटली। ऐसा जरूरी है कि नहीं, लेकिन इसने बोला तो अब क्या करें। ये किसका अपोजिट है? कॉर्नेट का। कॉर्नेट बोलता था आउटपुट हम फर्म के हाथ में है, प्राइस फर्म के हाथ में नहीं है। ये बोलता नहीं, प्राइस फर्म के हाथ में है और सब फर्म अपना अपना सेट करेंगे। ठीक है, अब जो बोल रहे मानना पड़ेगा, मैं क्या कर सकता इसके। इन ऑर्डर टू परस्यू कॉमन इंटरेस्ट ओलिगोपोली एंटर इंटू एग्रीमेंट जॉइंटली एक्ट एज मोनोपोली टू फिक्स क्वान्टिटी एंड प्राइस। ऐसा करते हैं कई बार। हाँ, मान लीजिए आप कोका कोला, मैं पेप्सी, और हम दो ही है कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री के। एक काम करो ना, क्यों कंज्यूमर को सस्ता देना, उसको डिसाइड करने तो जो खरीदना है वो खरीदेगा। आप भी 10 रुपये फिक्स कर लो, मैं भी फिक्स कर लेता। 35 रुपये की बॉटल आप फिक्स कर लो, मैं भी फिक्स कर लेता। इनके प्राइस रहते फिक्स्ड, दोनों ने मिल के एग्रीमेंट करके प्राइस फिक्स कर दिया। अब कस्टमर को लेना है तो उतने में लेना ही पड़ेगा, क्योंकि दो के अलावा तीसरी चॉइस ही नहीं है, फ्यू सेलर्स है। आई बात समझ में? तो ऐसे कई बार ये लोग करते हैं। तो अगर ऐसा हो गया तो ये जॉइंटली क्या हो गई फिर? मोनोपोली हो गई जॉइंटली। समझ आया? ये सिंपल है। अभी जिन जिन्होंने बोला अपने को मानना पड़ेगा। प्राइस लीडरशिप क्या होता है? प्राइस लीडरशिप, बराबर। तो वो कैसा करेगा फिर? वो कैसा सेट करेगा प्राइस? नहीं, हाँ उसमें लेकिन तीन तरह के लोग रहते हैं। एक तो सोचेंगे भैया सबको कमाने दो, मैं भी कमा रहा तुम भी कमाओ, जियो और जीने दो नहीं बोलते, लिव एंड लेट लिव। एक रहेगा इतना कम प्राइस करेगा कि कुछ दिन के लिए लॉस झेलने को तैयार रहेगा, लेकिन बाकी फर्म को ख़त्म कर देना है मेरे को। और एक रहेगा ऐसा नहीं करेगा, प्राइस लीडर बनेगा और सबको कमाने, मतलब यानी वही लीड लिव एंड लेट लिव का दूसरा पार्ट, वही तीन चीज़ यहाँ लिखी हुई, बैरोमेट्रिक प्राइस जिसको हम बोलते हैं। चलो एक बार इसको पढ़ते हैं। अच्छा, ये प्राइस सेट कौन करेगा, लार्ज फर्म की स्मॉल फर्म? ऑब्वियसली लार्ज फर्म सेट करेगी, स्मॉल फर्म की उतनी हैसियत नहीं रहती। लार्ज और डोमिनेंट फर्म मे बी सराउंडेड बाय मैनी स्मॉल फर्म। टाटा टी का एग्जाम्पल ध्यान करो। टाटा टी, चाय में आज सबसे बड़ा काम टाटा का है, लेकिन टाटा के अलावा और भी बहुत सारी छोटी छोटी फर्म्स हैं जो चाय पत्ती बेच रहे हैं, बराबर है। डोमिनेंट फर्म टेक द लीड टू सेट द प्राइस इनटू अकाउंट ऑफ स्मॉल फर्म्स। डोमिनेंट फर्म मे अडॉप्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी। तीन में से कोई भी एक अडॉप्ट कर सकती है डोमिनेंट फर्म। पहला, लिव एंड लेट लिव, मतलब मैं भी अच्छा ही प्राइस रखूंगा ताकि मुझे भी कमाई हो और बाकी फर्म्स को भी कमाई होनी चाहिए। वेर डोमिनेंट फर्म एक्सेप्ट द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल फर्म्स, एक्सेप्ट मतलब बाकी सब भी है हम मानते हैं, एंड सेट द प्राइस, दिस इज कॉल्ड प्राइस लीडरशिप। अगर वो चाहे तो प्राइस कम करके सब फर्म को ख़त्म भी कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा, नाम में ही लिखा है लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। तो ये अच्छी बात है, इसको लीडर बोलते हैं, लीडर सबका ध्यान रखता है, इसीलिए इसको प्राइस लीडरशिप नाम दिया। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आएंगे, ठीक है। इन अनादर स्ट्रेटेजी, प्राइस लीडर सेट द प्राइस इन सच अ वे दैट इट अलाउ सम प्रॉफिट टू द फॉलोअर फर्म। जो फर्म मेरी मुझे फॉलो कर रही है उसको कुछ कुछ ही प्रॉफिट मैं अलाउ करूँगा, बाकी प्रॉफिट उनका अलाउ नहीं करूँगा। यानी यहाँ पे मैं शायद उनको ख़त्म करने की इच्छा रख रहा हूँ शायद। और तीसरे में है बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप, वेर एन ओल्ड एक्सपीरियंस्ड रिस्पेक्टफुल लार्जेस्ट फर्म एक्ट्स एज अ लीडर एंड सेट द प्राइस। इट मेक्स चेंजेस इन प्राइस विच आर बेनिफिशियल फॉर ऑल फर्म्स एंड इंडस्ट्री व्यू पॉइंट। प्राइस चाहिए बाय द लीडर इज एक्सेप्टेड बाय फॉलोअर फर्म्स। जैसे टाटा टी, जो लार्ज एक्सपीरियंस बुजुर्ग लोग रहते ना घर में, अब बुजुर्गों की इज्जत होती, मतलब बुजुर्ग ने जो रूल बना दिया तो अपन उसको मानते कि नहीं मानते, बस वो फॉलोअर। वैसे ही यहाँ पे एक पुरानी फर्म रहती है, बड़ी फर्म रहती है, प्राइस लीडरशिप जैसे एक्ट करती है, जो प्राइस उन्होंने तय कर दिया और सब फर्म का ध्यान रखते हुए वो प्राइस तय करते हैं, और उसके बाद सारे फर्म छोटे फर्म्स उसको फॉलो करते हैं। इसको बोलते हैं बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। वन और थर्ड मोर और लेस थोड़ा थोड़ा सेम है, थोड़ा थोड़ा। अब एक इसका डिमांड कर्व कैसा रहता है, किंग डिमांड कर्व बोलते हैं इसको। कौन सा बोलते हैं?
किंग डिमांड कर। क्यों ऐसा बताता हूं। पी प्राइस है, क्यू क्वांटिटी है, यहाँ पे क्या दिया है, डी स्मॉल डी के बिग डी। जरा डिमांड कर के तरफ देखिए, कौन सा डिमांड कर, ये स्मॉल डी के एंड कैपिटल डी, ये किंग्ड है, बीच में से किंग्ड बोलते हैं इसको। मुझे बताओ स्मॉल डी और के इतना देख के आपको क्या समझ में आ रहा है। ये हाइपोथेटिकल है। चलो इसके पहले आपको कुछ इसके टर्म्स कंडीशन पढ़ा देता हूँ, पहले ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। इन मैनी ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्री देर इज प्राइस रिजिडिटी और स्टेबिलिटी, द प्राइजेस रिमेन स्टीकी और इनफ्लेक्सिबल फॉर लॉन्ग टाइम। ओलिगोपोलिस डू नॉट चेंज द प्राइस इवन इफ इकोनॉमिक कंडीशन चेंज। आउट ऑफ मैनी थियरीज एक्सप्लेनिंग प्राइस रिजिडिटी, द थियरी ऑफ किंग्ड डिमांड कर्व हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस मतलब जो सिर्फ इमेजिनरी है, प्रैक्टिकल नहीं है, गिवन बाय अमेरिकन इकोनॉमिस्ट पॉल एम स्वीजी इज मोस्ट पॉपुलर। ये इसकी थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी ने दी थी ये किंग डिमांड कर्व की थ्योरी। नाम अंडरलाइन करो, ध्यान कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है। अकॉर्डिंग टू किंग डिमांड कर्व हाइपोथेसिस द डिमांड कर्व फेस्ड बाय ओलिगोपोलिस्ट हैव अ किंग एट प्रिवेलिंग प्राइस। ऐसा इसका कहना है कि किंग क्या ने टर्न हो जाता है एट प्रिवेलिंग प्राइस। चलिए ठीक है, अब ध्यान से देखना आगे का सेंटेंस। क्यों है ये किंग क्यों बनता है, बिकॉज द पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व अबव प्रिवेलिंग प्राइस इज इलास्टिक एंड ऐसा कुछ तो भी पहले भी पढ़ा है, द पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व बिलो प्रिवेलिंग प्राइस इज इन इलास्टिक। मतलब क्या हुआ इसका, इधर देखो, अभी पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व अबव प्रिवेलिंग प्राइस, ये प्रिवेलिंग प्राइस है, इसके ऊपर का पोर्शन ये क्या है, इलास्टिक। प्राइस में चेंज होने के कारण क्वांटिटी में बहुत सारा चेंज आया, देखो इसका स्लोप फ्लैटर। पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व बिलो प्रिवेलिंग प्राइस स्टीपर है, मतलब इन इलास्टिक है, ऐसा कुछ तो भी पढ़ाया था ना स्लोप के बारे में, इन इलास्टिक, हाँ कि ना। अब इसको जरा पढ़ते हैं, अब ये थ्योरी इसने दी, ये हाइपोथेसिस है, उसकी सोच है ऐसा होगा। मैंने तो अभी बोला डिमांड कर ओलिगोपोली में आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि डिमांड कर्व क्या रहेगा, लेकिन उसने एक हाइपोथेसिस बनाया, उसने प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी से इस चीज़ को कंपेयर किया कि भैया अगर इलास्टिक रहेगा तो ऐसा होगा, इन इलास्टिक रहेगा तो ऐसा होगा। तो ये तो हमको भी मालूम है इलास्टिसिटी पे प्राइस का क्या होता है, लेकिन ठीक है और ये कुछ कहना चाहता है देख लेते हम। लेकिन ये एक ही डिमांड कर्व है और एक ही प्रोडक्ट है, ठीक है। इन द फिगर ओ पी इज द प्रिवेलिंग प्राइस एट विच द फर्म इज प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ओ क्यू आउटपुट। ये ओ पी आपका प्राइस है, ओ क्यू आपका आउटपुट है। एट प्रिवेलिंग प्राइस ओ पी अपर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व जिसको स्मॉल डी के बोला जाता है इज इलास्टिक एंड लोअर पोर्शन इज इन इलास्टिक। बराबर है, समझ आया इतना। डिफरेंस इज इलास्टिसिटी इज ड्यू टू अजम्पशन, देखो फिर अजम्पशन आ गया, ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, क्या अज्यूम कर रहे हैं कि रिएक्शन बाय किंग्ड डिमांड कर्व थ्योरी। किंग डिमांड कर्व थ्योरी जो स्वीजी ने दी थी उसने ऐसा अज्यूम किया था। अब उसने क्या थ्योरी दी थी वो हम पढ़ते, उसने अपनी थ्योरी को दो पार्ट में बांट दिया था, दो अजम्पशन है। इट द अज्यूम्ड रिएक्शन पैटर्न आर, क्या है देखते हैं। पहला अज्यूम्ड रिएक्शन पैटर्न, इफ द ओलिगोपोलिस्ट रेजेस द प्राइस अबव द प्रिवेलिंग प्राइस ओ पी He fears that none of his rival will follow him. Pepsi, Coca-Cola याद कर लो, Pepsi, Coca-Cola, आप Coca-Cola, मैं Pepsi। अभी हम कितने में बेच रहे हैं, 10-10 रुपए में बेच रहे हैं, आप भी 10 में, मैं भी 10 में।
मुझे अचानक दिमाग में कुछ तो भी हुआ और मैंने 10 का 15 रुपया कर दिया। क्या किया मैंने, प्राइस क्या होगा मेरे साथ, नहीं नहीं मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बैंड बजनी चाहिए, प्रोडक्ट क्वांटिटी कम, लेकिन ये कब होगा जब आप कुछ भी नहीं करोगे। अगर आपने भी 15 कर दिया तो फिर तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। मैं प्राइस बढ़ा दिया, आपने नहीं बढ़ाया, मेरे दिमाग में ये रहेगा यार कहीं इन्होंने अगर प्राइस नहीं बढ़ाया और मैं खुद ही अकेला प्राइस बढ़ा रहा हूँ तो उन्होंने अगर नहीं बढ़ाया तो लोग कोका कोला से पेप्सी पे शिफ्ट हो जाएंगे ना, दोनों सेम ही प्रोडक्ट है मोटा मोटी, यस और नो। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपके प्राइस कम ज़्यादा करने से धट से आपकी डिमांड पर फ़र्क आएगा, इसको बोलते हैं इलास्टिक। प्राइस में कम ज़्यादा करने से डिमांड पे फ़र्क आना, इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक। तो इसीलिए कहते हैं कि ऊपर का जो पोर्शन है वो इलास्टिक है, मतलब यदि आप प्राइस बढ़ाते हो और सामने वाली राइवल फर्म ने प्राइस नहीं बढ़ाया तो आपकी बैंड बच जाएंगी, आपकी डिमांड कम हो जाएंगी। बराबर मानते हैं चीज़, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। Therefore he fears that none of his rival will follow him. मतलब आपके बाप ने प्राइस बढ़ाया तो कोई भी आपकी राइवल फर्म आपको फॉलो नहीं करेंगी, सब अपना प्राइस एज इट इज रहने देंगे। Therefore he will lose customer to them and this will be sustainable fall in sales. Thus demand with respect to price rise above prevailing price is highly elastic as indicated by upper portion of demand curve DK. Oligopolist will therefore stick to the prevailing price. आगे जाएगा क्या वो, नहीं जाएगा। तो बताओ कम करेगा क्या, कम करेगा प्राइस, सोच के देख लो। आप पेप्सी वाले, मैं कोका कोला वाला, 10 रुपये जैसे था मैंने 10 का 8 कर दिया। अब आपका रिएक्शन प्रेडिक्ट कर सकता कि नहीं कर सकता मैं, क्या करोगे आप, आप लोग 8 करोगे कि नहीं करोगे? क्योंकि अगर आपने 8 नहीं किया तो आपकी बैंड बच जाएगी, इसलिए आप इमीजिएटली आप भी 8 कर दोगे। तो मेरे 8 करने से और आपके भी 8 करने से मेरे इस पर कुछ असर आया क्या, प्राइस कम करने से डिमांड पे कुछ असर आया क्या, नहीं। इसीलिए इन इलास्टिक, प्राइस कम करने से डिमांड पे कोई असर नहीं आया, इसीलिए क्या हो गया, इन इलास्टिक। देख लो ये प्राइस कम किया कोई असर नहीं आया, स्टीपर कर्व है, इन इलास्टिक रीजन के साथ यहाँ लिखा हुआ है। इफ द ओलिगोपोलिस रिड्यूस द प्राइस बिलो प्रिवेलिंग प्राइस, अब सब क्या करेंगे, सब राइवल्स उसको क्विकली फॉलो करेंगे, अरे भाई इसने कम कर दिया जल्दी अपन भी कम कर दो, नहीं तो अपना प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। हाँ कि ना, दिस इज बिकॉज राइवल फियर दैट, राइवल यानी आपको डर है कि दे विल, देयर कस्टमर विल गेट डाइवर्टेड टू द प्राइस कटिंग ओलिगोपोलिस्ट प्रोडक्ट। मैं कोका कोला हूँ, आप पेप्सी हो, मैंने 8 रुपये कर दिया तो पेप्सी जो पीने वाले कस्टमर थे वो कोका कोला पे शिफ्ट हो जाएंगे, ना आपके कस्टमर डाइवर्ट होंगे, ऐसा आपको डर है और इस डर के कारण अब आप क्या करोगे, प्राइस को कम कर दो। हाँ कि ना, दस प्राइस कटिंग ओलिगोपोलिस्ट विल नॉट बी एबल टू, अब मेरा कोई सेल बढ़ेगा क्या आपने भी कम कर दिया तो, नहीं कुछ भी नहीं बढ़ेगा सर, बैठे रहो ऐसे ही। हैंस डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस रिडक्शन बिलो प्रिवेलिंग प्राइस इज इन इलास्टिक एज इंडिकेटेड बाय लोअर पोर्शन ऑफ किंग्ड डिमांड कर्व। ओलिगोपोलिस्ट विल देयर टू स्टिक टू द प्रिवेलिंग प्राइस, ईच ओलिगोपोलिस्ट विल दस स्टिक टू द प्रिवेलिंग प्राइस रियलाइजिंग नो गेन इन चेंजिंग द प्राइस। प्राइस चेंज करके किसी को कुछ फायदा हो रहा क्या, नहीं कोई फायदा, ना फायदा हो रहा ना नुकसान हो रहा, इसीलिए क्या करेंगे, प्राइस चेंज करेंगे क्या वो, नहीं करेंगे चुपचाप, इसीलिए वो लोगों पोली में जल्दी से प्राइस चेंज नहीं होता, प्राइस पे डिपेंड नहीं रहते, वो लोग एडवर्टीजमेंट बढ़ाते बाकी सारी फालतू की चीज़ें वो लोग करते हैं। तो अ किंक विल देयरफॉर बी फॉर्म्ड एट द प्रिवेलिंग प्राइस एंड विच रिमेन्स रिजिड और स्टीकी और स्टेबल एट दिस लेवल। समझ आया ये डिमांड कर्व इसका सबको, अब हम आगे चलते कुछ अलग फॉर्म के। डुओपोली मतलब टू सेलर्स बस, मोनोपोली मतलब सिंगल बायर, कल बताया था मोनोपोली को मोनोपोली कर दो बेटा। ओलिगोपोली में क्या था, फ्यू सेलर्स, ओलिगोपोली मतलब देर आर फ्यू स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बायर्स इन द फैक्टर मार्केट, ज्यादा क्वांटिटी में खरीदने वाले बायर बहुत कम हैं, ऐसे चीज को बोलते हैं ओलिगोपोली। और बायलेटरल मोनोपोली मतलब देर इज सिंगल बायर एंड सिंगल सेलर, बस
बायलेटरल, देखिए यूनिलेटरल मतलब एक साइड, बायलेटरल मतलब दोनों साइड होता है, तो वैसे ही मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर होता है, और बायलेटरल लगा दिया तो सिंगल सेलर एंड सिंगल बायर, इट इज मिक्स ऑफ मोनोपोली एंड मोनोपसोनी। देख लो, मोनोपोली मतलब सिंगल बायर, मोनोपसोनी मतलब सिंगल सेलर, और दोनों का मिक्स कर दिया मतलब बायलेटरल मोनोपोली, यानी देर इज सिंगल बायर एंड सिंगल सेलर। प्रैक्टिकली ये सब देखने नहीं मिलता, लेकिन आया समझ में? पक्का? चले क्वेश्चंस पे, चलिए करके आए क्या घर से? कितने लोग करके आए? सच्ची सच्ची बताना, 1 2 3। आपको तो ज्यादा जरूरी था करना। कोई बात नहीं, टाइम थोड़ा कम मिलेगा, कुछ अगर बच जाए तो घर पे कर लेना, फिर कल मेरे से और पूछ लेना, ठीक है? चलिए फर्स्ट का बताइए, इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा? सर इक्विलिब्रियम वहां पे आता है व्हेन डिमांड इक्वल टू सप्लाई, यानी आंसर इज 4। उसके बाद सेकंड, 10 कैसे आया सर? 180 माइनस 190, आंसर आया 10, सी, हाँ कि ना? थर्ड बताइए, सी 16 आता है, सी आएगा ना, 12 आएगा ना, देख लो, प्राइस 20 है, क्वांटिटी डिमांडेड 15 है, 15 इंटू 20 कितना होता? 300। व्हेन प्राइस इज 18, क्वांटिटी 16, 18 इंटू 16 कितना होता? 288। तो इस हिसाब से मार्जिनल रेवेन्यू कितना हुआ? 12। मार्जिनल रेवेन्यू क्या? चेंज इन टोटल रेवेन्यू। बोलो फोर्थ बताओ, मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है पर्टिकुलर आउटपुट पे और मार्जिनल कॉस्ट कम है, इक्विलिब्रियम पे हम मैक्सिमम रहते हैं, और मैक्सिमम कब आता? व्हेन एमआर इक्वल टू एमसी। अभी रेवेन्यू ज्यादा है तो एक काम करो ना, और प्रोडक्शन बढ़ाओ ना भैया, आउटपुट बढ़ाओ, प्रॉफिट होगा, तो क्या बोलता? फर्म शुड इंक्रीज द आउटपुट, आंसर है डी, इसलिए बोलता घर से पढ़ के आओ। चलो मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू, बहुत आसान है, ए बी सी डी, प्राइस इंटू क्वांटिटी एंड रेवेन्यू, उसका 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट। 6, जो डिफिकल्ट रहेगा ना वो मैं खुद ही ले लूंगा, मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन, जो चिल्लर रहेंगे मतलब आप घर पे भी देखो तो आपको समझ जाएंगे। 6 बताओ, बहुत आसान है, पेज नंबर 3.8 पे सब लिखा है इसके बारे में, इकोनॉमिक प्रॉफिट के अंदर इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों आती है, तो आपको ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो 75,000 लग रही है, और ओनर कुड वर्क, कुड हैव बीन, तो ये हो गया 30,000 आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट, दोनों को टोटल जोड़ेंगे तो 1,05,000 का आपको खर्चा लग रहा है, और 1,00,000 के आपके रेवेन्यू आ रहे हैं, तो आपको लॉस हो रहा कि नहीं हो रहा? कौन सा लॉस? इकोनॉमिक लॉस, आंसर इज ए। 7th बताओ, इसमें से कौन सी प्योर कंपनी की एसेंशियल कंडीशन नहीं है? लार्ज नंबर ऑफ बायलर सेलर, हाँ, होमोजेनियस प्रोडक्ट, हाँ, फ्रीडम ऑफ एंट्री, हाँ। सर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का एब्सेंस भी तो रहता है, इग्नोर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऐसा रहता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एब्सेंट नहीं रहती है, एक तो रहता है प्रेजेंट रहना और इग्नोर करना, आप यहाँ आए हो और मैं आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, मतलब मैं आपको इग्नोर कर रहा, एक रहता है आप प्रेजेंट ही नहीं हो, एबसेंट हो ही नहीं, तो इग्नोर करने का सवाल ही नहीं उठता, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रहती है, उसको इग्नोर किया जाता है प्योर कॉम्पिटिशन में, एबसेंट नहीं रहती, यानी आंसर है डी, हाँ कि ना? चलिए 8th बता दीजिए, बहुत आसान है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन का डिमांड कर्व कैसा रहता है? हॉरिजॉन्टल, याद है क्या? ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू प्राइज इक्वल टू डिमांड, हॉरिजॉन्टल, हाँ। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है बेटा? मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, और सेकंड ऑर्डर मार्जिनल कॉस्ट कर्व शुड कट एम आर कर्व फ्रॉम बिलो, अभी तक तो रट गई होंगी दोनों कंडीशन, है ना? नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइस टेकर, इनमें से कौन सा प्राइस टेकर नहीं, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? बोलो, नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर, इट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइस टेकर, प्राइस टेकर यानी परफेक्ट कॉम्पिटिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सी गलत है? डी, इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज ओन्ड बाय फर्म, ये सही है क्या? हाँ कि ना?
रहते रहे, सही है ना भैया? अकाउंटिंग कॉस्ट इंक्लूड ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट, हाँ अकाउंटिंग को इकोनॉमिक कॉस्ट में हम इम्प्लिसिट डालते हैं। इकोनॉमिक प्रॉफिट विद ऑलवेज बी लेस देन अकाउंटिंग प्रॉफिट, येस, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉफिट में हम क्या करते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट भी लेस कर देते हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू लेस इम्प्लिसिट कॉस्ट, नहीं, टोटल रेवेन्यू लेस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, आंसर डी है। क्या गलत है वो बता, क्यों सुशील बराबर है ना, समझ आ रहा है? अभी रैंक आना चाहिए बेटा फाउंडेशन, पहले बता रहा मैं। उसका देवांशु क्या कर रहा, नहीं आ रहा क्या? तबे ठीक है ना उसके, समझ रहा ना उसको सब पढ़ा हुआ। विच ऑफ द फॉल विद गिवन सप्लाई कर्व डिक्रीज इन डिमांड कॉस्ट, चलो बताओ, याद करो ये कैसा था। या अपन ऐसा बनाते थे, एक डिमांड कर्व बनता था, एक सप्लाई कर्व बनता था, ये डी डी डिमांड कर्व, एस एस सप्लाई कर्व। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, विद अ गिवन सप्लाई कर्व डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड कम होना मतलब ये यहाँ पे एक नया कर्व बनना, हाँ कि ना? पहले ये था पी वन क्यू वन, अब हुआ है पी टू क्यू टू, हाँ कि ना? ऐसा ही हुआ। तो देखो अभी इसमें से क्या हो रहा है, ओवरऑल डिक्रीज इन प्राइस एंड डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये पहला इक्विलिब्रियम था, अब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम हो गई और प्राइस भी कम हो गया। हाँ, ऐसे क्वेश्चन में कभी भी अपनी होशियारी लगाना नहीं, ऐसे क्वेश्चन में कभी भी ध्यान रखना ये बना के देखना, और बना के देखने से क्या हो रहा है ये समझ लेना। इंक्रीज राइटवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ये आपको मालूम है, चाहे सप्लाई हो चाहे डिमांड हो, जैसा बोला है क्वेश्चन में वैसा यहाँ पहले बना लेने का, और बनाने के बाद आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि आपके साथ क्या हुआ। ऐसा दिमाग से सोचना नहीं, पहले बना के देखना उसके बाद करना, भले ही एक मिनट ज़्यादा लगे। इतनी गलती होती है ऐसे क्वेश्चन में जिसकी हद नहीं, आने के बाद भी। अरे करना क्या है, इंक्रीज डिक्रीज ही तो करना है, डिमांड कर को ऊपर नीचे करना है, तो पक्का कर बना के देखोगे एग्जाम में, बनाए देखे बिना मत करना, पहले ही बता रहा हूं। इसका आंसर हो गया सी। 13th बताओ, इकोनॉमिक थ्योरी में क्या अज्यूम किया जाता है, ए की बी, बी द अल्टीमेट गोल फर्म क्या क्या है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट रिगार्डलेस ऑफ साइज, साइज मतलब उसका टाइप क्या है, साइज क्या है, कुछ भी है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उसका उद्देश्य रहता है। 14th बताओ, बेस्ड ऑन कंज्यूमर इनकम एंड नंबर ऑफ सेलर इन द मार्केट फॉर गुड ए बोथ डिक्रीज, यानी कंज्यूमर की इनकम भी कम हो गई और बेचने वाले भी कम हो गए, यानी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं और बेचने वाले भी नहीं बेच रहे, तो क्वांटिटी कम होंगी कि बढ़ेंगी, कम हो जाएंगी, क्वांटिटी विल डिक्रीज। 15th बताओ, सप्लाई इंक्रीज इन ग्रेटर प्रपोर्शन देन डिमांड, यानी डिमांड भी बढ़ रही है सप्लाई भी बढ़ रही है, बना के देखो ऐसे हवा में बात नहीं। ये रहा मेरा डिमांड और सप्लाई कर, एक सेकेंड, डिमांड सप्लाई, सप्लाई क्या इंक्रीज हो रहा ग्रेटर प्रपोर्शन में, सप्लाई इंक्रीज इन ग्रेटर प्रपोर्शन देन डिमांड, डिमांड भी बढ़ रही है लेकिन उतनी नहीं, चलो डिमांड राइट वर्ड शिफ्ट कर दूँ, ये समझ लो थोड़ी सी डिमांड बढ़ गई लेकिन सप्लाई ज्यादा बढ़ गई, हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना, S1 S1 D1 D1, तो पहले डी वन डी और एस का निकाल लो, ये रहा आपका डी और एस, और एस वन और डी वन का ये रहा, ठीक है? अब क्वेश्चन देख लो, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी विल बी ग्रेटर देन लोअर, नहीं सर क्वांटिटी तो ग्रेटर है लेकिन प्राइस कम हो गया, हाँ कि ना? तो ये सही नहीं है, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी ग्रेटर देन ओरिजिनल, नहीं ग्रेटर तो प्राइस है ही नहीं, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी विल बी लोअर, नहीं सर क्वांटिटी बढ़ गई है ना, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी लोअर देन ओरिजिनल इक्विलिब्रियम एंड न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल बी हायर, देखिए प्राइस कम हो रहा है क्वांटिटी बढ़ रही है, ऐसा ही हो रहा है, आंसर इज डी, डी फॉर डोंकी, बराबर है, इसलिए बोल रहा है बना के देखना, अपना दिमाग मत लगाना, सीधी बात बना के देख लो ना, आसान है। 16th बताओ, क्या हो रहा, सुनो ध्यान से, अज्यूम दैट इन मार्केट गुड्स देयर इज साइमल्टेनियस, एक साथ हो रहा, क्या हो रहा है, इंक्रीज इन डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई, डिमांड भी बढ़ गई क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रही, बोलो
प्राइस पे क्या असर आएगा बता सकते क्या? नहीं सर बता नहीं सकते, कितना बड़ा ये थोड़ी हमको बताया है, बढ़ रहा दोनों तो इतना तो पक्का है, इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो होगा ही, क्वांटिटी तो बढ़ेंगी। आंसर इज सी। 17th सी, सोच के देखना, सपोज द टेक्नोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग पर्सनल कंप्यूटर इम्प्रूव्स, मतलब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा कम भाव में, एंड सेम टाइम इंडिविजुअल डिस्कवर न्यू यूजर्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, फॉर दैट देयर इज ग्रेटर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, यानी पर्सनल कंप्यूटर की सप्लाई भी बढ़ रही क्योंकि बनाने वालों को अच्छी टेक्नोलॉजी मिली, खरीदने वालों को नए नए उसके यूजर्स मिले तो वो लोग भी खरीदेंगे। अब बताओ क्या होगा, क्वांटिटी इंक्रीज होंगी कि डिक्रीज होंगी? पक्का इंक्रीज होंगी, लेकिन प्राइस बता सकते क्या? नहीं, हमको अनडिटरमाइंड, आप बता ही नहीं सकते ना। आंसर इज सी। 18th बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर परफेक्ट कॉम्पिटिशन? एडवर्टीजमेंट का परफेक्ट कॉम्पिटिशन का कोई लेना देना रहता क्या? नहीं रहता। आंसर इज सी। Which of the following is not a characteristics of perfectly competitive market? जल्दी बोलो। See, downward sloping demand curve नहीं रहता। Which of the following is not a characteristics of monopolistic competition? इनमें से monopolistic का कौन सा characteristics नहीं है? Monopolistic के product कैसे रहते? Heterogeneous, homogeneous नहीं रहते। Answer is D. 21, बहुत आसान है। Monopoly may arise product because, ये भी इससे भी होती है, इससे भी होती है, इससे भी होती, ऑल द अबव। आपको बताया हुआ है जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए 99% केसेस में आंसर क्या रहता? ऑल द अबव। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच्ची रहता। चलो 22 बताओ, ओलिगोपोली मतलब, ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स रहते हैं। ए की बी, अ फ्यू लार्ज फर्म, नहीं, एंड नो एंट्री बैरियर्स, ऐसा थोड़ी है। एंट्री बैरियर रहता ना भैया, सर कोई आके कर सकता क्या? पूरी तरह बैरियर नहीं रहता लेकिन सब्सटेंशियल बैरियर। आज पेप्सी कोका कोला के सामने आप बोलो नहीं मुझे भी एक अपना खोलना है तो खोल सकते क्या? पॉसिबल ही नहीं, बहुत मतलब इतनी आसानी से कभी भी आ नहीं सकते, कभी भी जा नहीं सकते। रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है लेकिन सब्सटेंशियली एंट्री मारना बहुत मुश्किल है। देखिए बी और सी तो पक्का नहीं क्योंकि नो एंट्री तो है ही नहीं, एंट्री है लेकिन बहुत कम है या सब्सटेंशियली बैरियर है एंट्री को। वन डोमिनेंट फर्म अगर रहती तो ओलिगोपोली नहीं रह सकता, जरूरी नहीं है वन ही रहेंगी, टू भी रह सकती, थ्री भी रह सकती। तो अ फ्यू डोमिनेंट फर्म एंड सब्सटेंशियल एंट्री टू बायर्स। डी भी गलत नहीं है लेकिन डी गलत इसलिए हो गया कि उसने वन लिख दिया, ऐसा जरूरी नहीं भी है कि वन ही रहे, ठीक है। 23rd बताइए, बहुत आसान है 23rd। 23rd के अंदर ए और सी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें फिगर्स लिखे हुए, हमको क्वेश्चन में फिगर्स दिए ही नहीं है, काम ही खत्म। प्राइस टेकिंग फर्म मतलब क्या हुआ बेटा? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब स्मॉलनेस? इंडिविजुअल फर्म फेसेस डाउनवर्ड स्लोपिंग, नहीं ये नहीं रहता, ये भी नहीं रहता, ये भी नहीं रहता। आंसर क्या हुआ? डी। फॉर प्राइस टेकिंग फर्म, बोलो प्राइस टेकिंग फर्म के लिए क्या रहता है? मार्जिनल रेवेन्यू, लेस देन प्राइस, ग्रेटर और इक्वल? इक्वल, इसके अंदर कुछ नहीं रहता, जिस प्राइस पे वो लोग बेच रहे वही प्राइस पे ऑपरेट कर रहे, याद नहीं है क्या? ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू पी इक्वल टू डिमांड, यानी ये। 25th, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन डिफर्स फ्रॉम परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइमरी बिकॉज ए। 25th का ए, इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन फर्म्स कैन डिफ्रेंशिएट देयर प्रोडक्ट, और मोनोपोली के अंदर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, ए सही है। 26th बताइए, द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम आउटकम इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन सिमिलर बिकॉज इन बोथ मार्केट स्ट्रक्चर फर्म विल ओनली अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, लॉन्ग रन में दोनों भी नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगे। 27th, विच आर द फॉलोइंग डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली? ओलिगोपोली में इंटरडिपेंडेंस रहता कि नहीं रहता?
भैया स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट सब में रहता, गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सब में रहता, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर ऐसा जरूरी नहीं है, यानी आंसर इज दिस इंटरडिपेंडेंस अमॉन्ग द फर्म्स, फर्म का बीच में आपस में इंटरडिपेंडेंस रहता है, ये एक डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक है ओलिगोपोली का जो बाकी में नहीं है। 28 मोनोपोली की ओलिगोपोली दोनोपोली वेरी लार्ज प्राइस के ऊपर वेरी लार्ज कंट्रोल काय में रहता है मोनोपोली क्योंकि बेचने वाला एक है। सब करके आए क्या बेटा पूरे 90 करके आए क्या पूरे 90 के 90 करके आए अलगोर भी छोड़ के वेरी गुड वो भी ट्राई कर लेते गलती होता जमा नहीं अभी जमेगा। एवरेज रेवेन्यू कर्व इज ऑल्सो नोन एज याद है ये चीज ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू डी। इसके बाद अंडर विच ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर डज फर्म हैव कंट्रोल ओवर प्राइस ऑफ नो कंट्रोल ओवर प्राइस परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कोई कंट्रोल नहीं रहता। 31 डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली इंप्लाइज दैट मोनोपोलीज चार्ज अ डिफरेंट प्राइस फॉर हिज कमोडिटी एट डिफरेंट प्लेसेस फॉर डिफरेंट यूज फॉर्म डिफरेंट ग्रुप ऑफ कस्टमर। सही है ये तीनों भी करता है यानी एनी ऑफ द अबव इनमें से कुछ भी कर सकता है। 32 प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज प्रॉफिटेबल ओनली इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन डिफरेंट सब मार्केट इज अगर इलास्टिसिटी डिफरेंट रहेंगी तो ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पूरा आएगा। इलास्टिसिटी एक ही चाहे तो कुछ भी कर लो कोई फायदा नहीं होगा। 33 किंग्ड डिमांड कर्व जो ओलोपोली है वो क्या दर्शाता है यही पता था प्राइस टिकीनेस प्राइस रिजिडिटी याद है क्या क्योंकि ऊपर जाने नहीं देता ऊपर जाओगे तो आपका सेल कम हो जाएगा और कम किए तो राइवल फर्म्स भी कम कर देंगे कुछ असर नहीं होगा ठीक है इसलिए प्राइस रिजिडिटी। 34 प्राइस टेकर में क्या होता परफेक्ट कंपटीशन में देर आर सो मेनी बायर एंड सेलर इन द मार्केट दैट एनी इंडिविजुअल फर्म कैन नॉट अफेक्ट द प्राइस बी आंसर करेक्ट है हाँ कि ना। 35 सपोज द डिमांड कर्व ऑफ एक्स वाई जेड कंपनी स्लोप डाउनवर्ड्स टू द राइट यानी ऐसा ठीक है तो आप क्या कंक्लूड कर सकते हो द फर्म ऑपरेट्स इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव नहीं परफेक्ट कॉम्पिटिटिव में तो ऐसा रहता ही नहीं है। द फर्म कैन सेल ऑल व्हाट इट वांट्स एंड स्टेब्लिश प्राइस नो प्राइस कम करना पड़ेगा। एक्स वाई जेड नॉट अ प्राइस टेकर बट द मार्केट बिकॉज इट मस्ट लोअर द प्राइस टू सेल एडिशनल आउटपुट यस जैसे जैसे प्राइस कम करूंगे आपकी क्वान्टिटी बढ़ेंगी सी इज द करेक्ट आंसर। 36 बताओ ये देख के आप क्या बता सकते इसके अंदर मार्केट शेयर दिया है टूथपेस्ट का डेंटी पेस्ट मतलब ये सब टूथपेस्ट के ब्रांड है ये सब जो दिए ये टूथपेस्ट के ब्रांड दिए बाइटर देन वाइट पेस्टी स्टफ आई कैंट बिलीव इट्स टूथपेस्ट सिनी ब्राइट ये सब टूथपेस्ट के ब्रांड है और सबका मार्केट शेयर दिया है इसको क्या बोलते बेटा ओलिगोपोली अभी तो बताया फ्यू सेलर्स। किंग डिमांड कर्व अज्यूम्स दैट बताओ किंग्ड डिमांड कर्व क्या अज्यूम करता है कैसा रहता ऐसा रहता सर सुनो प्राइस इंक्रीज का रिस्पॉन्स ज़्यादा है इलास्टिक है देख लो फ्लैटर है और प्राइस डिक्रीज का रिस्पॉन्स बहुत कम है द रिस्पॉन्स ऑफ कंज्यूमर्स टू प्राइस इंक्रीज इज मोर एंड रिस्पॉन्स टू प्राइस डिक्रीज इज लेस आंसर बी है हाँ कि ना। 37 और अगर इसको देख रहा है तो 4.47 पे लिखा भी है इसके बारे में 4.47 पढ़ लेना। 38 बताइए शटडाउन कब करोगे शटडाउन पॉइंट कब मतलब पॉइंट यानी इस जब वेरिएबल कॉस्ट और वो आपकी क्या बोलते हैं रेवेन्यू इक्वल आ जाता उसके आगे जाओगे क्या आप तो क्या है आंसर बताओ
एवरेज वेज, टोटल कॉस्ट नहीं। टोटल कॉस्ट क्यों नहीं? क्योंकि टोटल में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों रहती है और हम सिर्फ वेरिएबल की बात करते हैं। यानी ध्यान रखो, ए और सी तो हो ही नहीं सकता। अब बात ही बात बी और डी की, तो ये तो मार्जिनल कॉस्ट की बात कर रहे हैं। मार्जिनल की तो बात ही नहीं रहती। रहती काहे की बात? वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स प्राइस एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल मतलब इक्विलिब्रियम। इसके आगे आप जाओगे तो लॉस होना स्टार्ट होगा, यानी ये है आपका शट डाउन पॉइंट। इसके आगे नहीं जाना, इसके आगे अगर जाना पड़े तो बंद कर देना। 39 बताइए। ए बी सी डी। सपोज एट प्रॉफिट मैक्सिमाइज फर्म फाइंड्स एंड मार्केट प्राइस इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट बट ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यानी अभी भी आपका प्राइस ज़्यादा है वेरिएबल कॉस्ट से, यानी आप फायदे में हो। आपने बंद करना चाहिए क्या? नहीं, बंद नहीं करना चाहिए। द फर्म शुड कंटिन्यू टू ऑपरेट इन शॉर्ट रन इन ऑर्डर टू मिनिमाइज इट्स लॉसेस। आंसर इज डी। हाँ कि ना भाई? वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर ही रहे तो कंटिन्यू करो, बंद क्यों कर रहे? 40। प्राइस इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल। क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, शट डाउन कर देना चाहिए। आंसर डी। सी की डी, डी ज्यादा करेक्ट है। सिंस इट विल लूज नथिंग। नहीं भैया, लूज नहीं, इट कैन नॉट इवर रिकवर वेरिएबल कॉस्ट इट स्टेज इन बिजनेस। ज्यादा सही है। 41 बताओ। सप्लाई शेड्यूल, पेज नंबर 4.23 देख लो। ये देखो सप्लाई शेड्यूल, उधर देखो, इधर इधर कौन बताता? मार्जिनल। हाँ कि ना? तो चलो फिर वहां पे कौन से ऑप्शन में मार्जिनल कॉस्ट आपका? आंसर इज डी, इट्स मार्जिनल कॉस्ट कर। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, वन कैरेक्टरिस्टिक नॉट टिपिकल ऑफ ओलिगोपोली इज इंडस्ट्री इज। इनमें से कौन सा नहीं है? हॉरिजॉन्टल डिमांड कर, वो किसका रहता है? परफेक्ट कॉम्पिटिटिव का रहता है। द स्ट्रक्चर ऑफ टूथपेस्ट, बोलो टूथपेस्ट क्या है? मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव। हाँ कि ना? मोनोपोलिस्टिक भी सही है, लेकिन मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव ज़्यादा अच्छा लग रहा। सी ज़्यादा करेक्ट है। हाँ कि ना? मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन भी लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा साथ में? 44 बताइए। कोल्ड ड्रिंक क्या है? अभी तो बताया कोल्ड ड्रिंक। ओलिगोपोलिस्टिक, अब यहाँ ओलिगोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव ऐसा कुछ लिखा नहीं, इसलिए ओलिगोपोली मार दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आप प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकते क्या? कभी नहीं कर सकते। आंसर इज सी। 46, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन लॉन्ग रन देयर विल बी नो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली में रहते हैं। हाँ, 47 बताइए। बहुत आसान है। वेर फर्म अर्निंग है जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट, ए सी इक्वल टू ए आर, क्योंकि ए सी इज ग्रेटर देन ए आर होता है तो लॉस होता है, ए सी इज लेस देन ए आर होता है तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, और ए सी इक्वल टू ए आर होता है तो क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट। ये सबको मालूम है। 48 का सोच समझ के जवाब देना। 48 और 49 बड़े भारी क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोच के। पहले सिर्फ 48 सोचो और जवाब दो, दो बार सोच के जवाब देना। When dash, we know that firm must be producing at the minimum point of average cost curve, so that and so there will be productive efficiency. अब ध्यान से सुनो,
एवरेज कॉस्ट कर्व मिनिमम, एवरेज कॉस्ट मतलब मैंने आपको बोला था, एवरेज कॉस्ट मतलब हमेशा एवरेज टोटल कॉस्ट पकड़ना, क्योंकि फिक्स्ड भी नहीं दी है, वेरिएबल भी नहीं दी है. एक काम कीजिए, पेज नंबर नहीं आप मत निकालो, मैं दिखाता हूँ. ये याद है क्या, ये फिगर दिख रहा? एवरेज कॉस्ट कर्व का मिनिमम पॉइंट किधर है? जहां पे सर ये देखो मिनिमम पॉइंट, और इस पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व उसको काटते हुए जा रहा है. मतलब एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट इज वेयर एम सी इज इक्वल्स टू ए सी. यानी आंसर कौन सा हुआ? बी. हा कि ना बोलो, समझा कि नहीं समझा? क्वेश्चन देख लो और एक बार ये डायग्राम, मैं बोला था डायग्राम ध्यान में रखना पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है. कैसे बनता डायग्राम ये आपको बता दिया, कैसे ध्यान रखना वो आप देखो. सही है कि नहीं? क्वेश्चन पढ़ो और ये देख लो, दो मिनट का आंसर है बस ये डायग्राम. ध्यान में नहीं रहेगा तो ज़िंदगी में इसका आंसर नहीं निकलेगा, और डायग्राम ध्यान में है तो आप कभी भी निकाल सकते हो. चलो आगे, पक्का? इसके बाद मैं आता हूँ 49 पे. ए आर इक्वल टू एम आर होगा, अच्छे से नहीं पढ़ा क्वेश्चन, घाई मत करो. एम सी इक्वल टू ए आर, यानी सी है, सी है, वेरी गुड. वैन डैश देयर विल बी अलोकेटिव एफिशिएंसी मीनिंग देयर बाय दैट कॉस्ट ऑफ लास्ट यूनिट. ये क्या होता बेटा कॉस्ट ऑफ लास्ट यूनिट, पहले बताओ. मार्जिनल कॉस्ट, लास्ट यूनिट की निकाल रहे मतलब डिफरेंस निकाल रहे हैं आपकी एडिशनल यूनिट बनाने के कितने पैसे लगे. मार्जिनल कॉस्ट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द प्राइस कंज्यूमर इज विलिंग टू पे. और चीख चीख के बताया प्राइस यानी क्या होता, ए आर. ए आर इक्वल टू प्राइस, ए आर. बोलो अभी, सिर्फ ये 48 थोड़ा सा वो था और 49 था कि भैया आपको समझना है कि इसमें क्या लिखा है. समझा नहीं समझा? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो अब अपन गलती नहीं करेंगे. वेरी गुड. 50 बताओ, परफेक्ट कंपटीशन. सीधी बात है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में परफेक्ट कंपटीशन रहता, चावल गेहूं बेचने वाले लाइन से बैठे हैं, जिससे लेना है लो, उसमें क्या है. 51 बताइए, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव फर्म. सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लॉन्ग रन में होते क्या, सवाल ही नहीं उठता. परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इनमें से कौन सा है, इलेक्ट्रिसिटी, कोला, केबल की मिल्क. हर घर हर गली में दूध वाला बैठा है भैया, तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव कौन सा हुआ, मिल्क. 53 परफेक्ट कॉम्पिटिटिव के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट सही है, डिमांड कर डाउनलोड स्विंग नहीं, ऑलवेज लाइज अबाउट मार्जिन रेवेन्यू कभी नहीं, एवरेज रेवेन्यू नीड नॉट बी इक्वल टू प्राइस. अरे ऐसा थोड़ी होता है, ए आर हमेशा प्राइस के इक्वल रहता. प्राइस इज गिवन एंड इज डिटरमाइंड बाय इक्विलिब्रियम इन द एंटायर मार्केट. ये होता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स. हाँ अभी 54 बहुत आसान है, मैं नहीं बताऊँगा. ये तीन ट्रेपर, स्टेनले, क्राफ्ट, ये तीन जो थे, ये कौन सा मार्केट की बात कर रहे थे, ये लिखा है ना, मार्केट फॉर हैंड टूल सच एज हैमर्स, स्क्रू ड्राइवर्स इज डोमिनेटेड बाय ड्रेपर, स्टेनले एंड क्राफ्ट्समैन. ये तीन ब्रांड दिख रहे हैं आपको, ये तीन ब्रांड ये स्क्रू ड्राइवर वगैरह का मार्केट डोमिनेट करते हैं. देयर आर फ्यू सेलर्स, फ्यू सेलर मतलब ओलिगोपोली. आंसर इज सी. 55 वेर मैनी फर्म सेल प्रोडक्ट डेट आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल. ऐसे केस में क्या बोलते हैं, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. ए. 56 बताइए, बहुत आसान है. पूरा पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है. बोलो डी.
ओलिगोपोलिस्ट बीच में रहता है बेचारा। मैंने बताया था परफेक्ट कंपटीशन एक्सट्रीम एंड है, मोनोपोली एक्सट्रीम एंड है, दोनों के बीच में ये मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली आते हैं। ओलिगोपोलिस्टिक में प्राइस चार्ज बाय मोनोपोली वो कम चार्ज करता है, मोनोपोली सबसे महंगा है भैया, उससे वो तो सुपर नॉर्मल हो गया ना, एंड मोर प्राइस देन लार्ज कॉम्प चार्ज बाय कॉम्पिटिटिव मार्केट, यानी आंसर इज डी 57। ऑल ऑफ द अबव, सही बात है ना, MR और MC का इंटरसेक्शन, देयर इज एफिशिएंट सेल्स, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, लॉन्ग रन में यही सब रहता है। ऑल द आंसर आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव फर्म, बोलो। अबनॉर्मल मतलब सुपर नॉर्मल होता है, लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली में होते हैं। बी इन वेरी शॉर्ट पीरियड, सप्लाई को आप चेंज नहीं कर सकते वेरी शॉर्ट पीरियड में। टाइम एलिमेंट वॉज कंसीव्ड बाय, एल्फ्रेड मार्शल ने बताया था, 4.2 पेज नंबर देख लेना, लिखा हुआ है, पढ़ाया मैंने, देखो 4.2 एक बार। वो पॉइंट टू पे दिख रहा है टाइम एलिमेंट, एल्फ्रेड मार्शल। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, प्राइस इनटू क्वांटिटी। एवरेज रेवेन्यू इज रेवेन्यू अर्न पर यूनिट ऑफ आउटपुट। AR कैन बी सिंबॉलिकली रिटन एज AR इक्वल्स टू TR डिवाइड बाय Q। सी AR इज ऑल्सो नोन एज प्राइस। मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी डिफाइंड एज चेंज इन टोटल रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम सेल ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। मार्जिनल कॉस्ट लिखा रहता है, शायद परचेस की बात करते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू लिखा है, इसलिए सेल, सेल करने के बाद रेवेन्यू आता है। हाँ अब बताओ 66, 67, 68 MR = AR × E-1/E। ये याद है क्या बच्चों, सबको याद है? ग्रेटर देन वन मतलब टू पकड़ लू, तो AR इज इक्वल टू 2 - 1/1। ये पॉजिटिव ही निकलेगा हमेशा, हाँ, यानी आंसर इज सी पॉजिटिव। 1 है मतलब क्या निकलेगा, 0, और लेस है मतलब क्या निकलेगा, नेगेटिव। बोलो आसान है कि नहीं है? चलो 69 बताओ, मार्केट का मतलब क्या होता है, कोई फिजिकल प्लेस रहती क्या? नहीं, जहाँ बायर सेलर आके मिल गए प्रोडक्ट प्राइस के लिए बार्गेन कर रहे। ए 70 परफेक्ट कॉम्पिटी, बहुत आसान है, प्राइस टेकर एंड नॉट प्राइस मेकर, मोनोपोलिस्ट मतलब प्राइस मेकर। ए 72 प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वन ऑफ द फीचर्स ऑफ मोनोपोली, यही क्वेश्चन आया था ना। हाँ अभी एक काम करो, इंस्टीट्यूट का आंसर भी देख लो, भले 72 का बी है ना। अब किसकी गलती है, किसकी गलती है? मेरे हाथ के आँख के नीचे से पेपर नहीं गया, लेकिन अगला पेपर मेरे आँख के नीचे से जाएगा। अगर अगले पेपर में गलती होती है तो फिर मेरी गलती, तो पहले ही आज ही बोल दिया अगला पेपर, भैया पहले मेरे को दिखाना। कब से बेटा आपका अगला पेपर? अगर पेपर छप गए होंगे तो फिर नहीं पता, फिर मैं कुछ नहीं, मैं आज जाके बात करता हूँ, नहीं मैं चेंज करा दूंगा ना सजेस्टेड आंसर्स के अंदर। चलिए ठीक है, ऐसे से क्या होता है, स्टूडेंट्स पागल हो जाते हैं, टीचर को भी पागल कर देते हैं, दोनों पागल हो जाते हैं, मैं भी सोचने मजबूर हो गया आंसर गलत कैसे दिया है। मतलब एक बार क्या होता है, हम लोग पीछे वाले आंसर को सही मान लेते हैं, कई बार ऐसा होता है, गलत साबित करना है ना बहुत दिमाग लगता है, अरे नहीं यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है तो भी मैं चेंज कर दूंगा, वैसे अभी चला लो आप काम इस बार। 73 वेरी कंसिडरेबल, पूरा ही कंट्रोल रहता है, वेरी भी क्या, पूरा ही लिखना था ना। 74 बताओ, बटर एग मिल्क ये सब पेरिशेबल है, इसको लोकल के लोकल बेचना पड़ता है। हाँ 75 मजा आ जाएगा, बताओ सोच के। जल्दी बोलो, ज्यादातर लोग Q3 बोलने वाले हैं, मुझे पता था। कुछ नहीं सर, ये देखो ना, ये प्राइस हो गया, ये हो गया, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, ये Q3 काम खत्म है ना, इतना आसान रहता तो बात ही क्या थी। हाँ बोलो, कोई और आंसर है क्या? ए ए
ये है क्या? पक्का रीजन बताओ। चलो ये है तो रीजन बताओ। रीजन भैया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व ऊपर है पी वन से, यानी उस प्राइस पे आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रिकवरी नहीं कर पा रहे, तो आपने आउटपुट कितना बनाना चाहिए? यू शुड शट डाउन। जब आपका प्राइस वेरिएबल कॉस्ट ही रिकवर नहीं कर पा रहा, तो आपने एक शट डाउन कर देना चाहिए ना, यानी आउटपुट कितना बना। शट डाउन मतलब कितना आउटपुट होता है? जीरो। हाँ कि ना? यानी आंसर क्या हुआ? ए 99% लोग इसमें गलती करते हैं, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। समझा नहीं समझा? वापस हाँ बताते ना बेटा, दो बार बताएंगे उसमें क्या है। आप लोगों ने ये पी वन सोचा, ये क्यू वन सोचा, पूछा ये है एट प्राइस पी वन, यानी ये जो प्राइस लाइन है इस प्राइस पे कितना प्रोड्यूस करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इस पे कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पूरी प्राइस लाइन पे जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है, यानी आप कहीं भी चले जाओ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपसे ज़्यादा ही रहेंगी, क्योंकि जो आप प्राइस चार्ज कर रहे हो वो गलत है। आई बात समझ में? इसीलिए जब प्राइस कम है और वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है, हर समय वेरिएबल कॉस्ट ही नहीं निकाल पा रहे, तो बंद कर दो ना भैया। और बंद करो मतलब ज़ीरो आउटपुट ना। सेक्युलर पीरियड मतलब शॉर्ट होता कि लॉन्ग होता कि वेरी लॉन्ग होता? वेरी लॉन्ग होता। सेक्युलर मतलब वेरी लॉन्ग पीरियड। स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेटेड है कि अनरेगुलेटेड है? रेगुलेटेड, फुल्ली रेगुलेटेड मार्केट। बी 78 रिटेल मार्केट, चलो आपने बोल दिया तो मान लेता हूँ। 79 बताओ प्योर कॉम्पिटिशन, लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर एंड होमोजीनियस प्रोडक्ट भी रहते हैं बोथ ए एंड बी। 80 प्योर ओलिगोपोली इज बेस्ड ऑन काय का डिफरेंशिएटेड? प्योर ओलिगोपोली निकालो। पेज नंबर मैं बताता हूँ, पेज नंबर 4.44 एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया था प्योर ओलिगोपोली में। एक सरी के प्रोडक्ट कहीं से भी ले लो, निकालो ना। 4.44 पहला ही दिया है, प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली मतलब कौन से प्रोडक्ट? होमोजीनियस। हाँ क्या लिखा है? तो ज़्यादा सही कौन सा लग रहा है आपको? मैं तो कहाँ बोल रहा गलत है, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट रहता ना, बिल्कुल सही है रहता। ज़्यादा सही क्या लग रहा? तो कौन सा मारूँ आप बताओ, डी मारूँ कि ए मारूँ कि बी मारूँ कि सी मारूँ? सी मारना चाहिए, फ्री एंड एंट्री एंड एग्जिट, क्योंकि परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट तो और भी बाकी में भी रह सकता ना, ओलिगोपोली वगैरह में भी रह सकता ना, परफेक्ट नॉलेज प्रोडक्ट का किसी में भी रह सकता। ये असेंशियल कंडीशन नहीं है, परफेक्ट नॉलेज रह सकता है, रहना भी चाहिए, लेकिन ये असेंशियल कंडीशन नहीं बोल सकते आप। आई बात? लेकिन फ्री एंट्री एंड एग्जिट मोनोपोली में नहीं रहता, मोनोपोलिस्टिक में नहीं रहता। फ्री एंट्री और एग्जिट सिर्फ और सिर्फ प्योर कॉम्पिटिशन में रहता है, कोई भी आके बैठ सकता है, कोई भी आके जा सकता है। इसलिए मुझे वो ज़्यादा सही लगा और आंसर भी पीछे सी दिया हुआ, तो सी ज़्यादा करेक्ट है। आपका डी कोई गलत नहीं है, लेकिन सी ज़्यादा करेक्ट है, समझे? 81 वेयर इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय वन लार्ज फर्म विद कंसिडर एज लीडर ऑफ द ग्रुप, बोलो इसमें कौन सी होती है? पार्शियल रहती, बाकी सब उसको देखते हैं। आंसर इज पार्शियल ओलिगोपोली मतलब सी। 82 बताओ, सेंट्रलाइज्ड बॉडी रहती है तो ऐसी ओलिगोपोली को कौन सी बोलते हैं? सिंडिकेटेड, पार्शियल का अपोजिट। 83 कौन सा डिग्री है ये? फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कहाँ लिखा है बताऊ गया? पेज नंबर 4.37 निकाल लिए। 3 degrees इसमें से कौन सी है डिग्री? मार्केट सब मार्केट ऐसा दिया, यानी कौन सा है? अकॉर्डिंग टू लोकेशन, यानी ये हो गया 3rd degree। इसके बाद डैश व्हेन अंडर डैश द मोनोपोलिस विल फिक्स प्राइस विच विल टेक अवे द एंटायर कंज्यूमर सरप्लस, कौन सा है ये? फर्स्ट है ना? अरे 84 पूछ रहा बेटा, 84 का फर्स्ट है, देख लो 4.37 देख लो पेज।
है ना, फर्स्ट डिग्री। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज रिलेटेड टू 85 एनी ऑफ द अबव, टाइम, साइज, इनकम, किसी से भी रिलेट कर सकता है। फर्म एंड इंडस्ट्री आर वन एंड सेम इन मोनोपोली। फर्म भी वही, इंडस्ट्री भी वही, क्योंकि बेचने वाला एक है तो इंडस्ट्री भी वही है और फर्म भी वही है। 87th, डिमांड कर्व फॉर मोनोपोली फर्म विल बी, क्योंकि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल है, मोनोपोली प्राइस कम करेगा तो डिमांड ज़्यादा रहेंगे। 88 बताओ, एवरेज कॉस्ट इज हायर देन एवरेज रेवेन्यू, लॉस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। प्राइस रिजिडिटी फीचर ऑफ मोनोपोली, नहीं, ओलिगोपोली का फीचर है। सेलिंग कॉस्ट आर पॉसिबल अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, नहीं, कभी नहीं, प्राइस फिक्स्ड है और सेलिंग कॉस्ट को इग्नोर करते हैं। अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डू नॉट मूव फ्रीली, नहीं फ्रीली मूव करते। इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ मैनी फर्म, यस। 90, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अंडर मोनोपोली देर इज नो डिफरेंस, नहीं डिफरेंस। कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन विल बी हेट्रोजीनियस, नहीं होमोजीनियस, सी आंसर। समझा क्या? तो हमारा इकोनॉमिक्स कंप्लीट होने पे, मतलब लगभग कंप्लीट हो गया, अब सिर्फ एक लास्ट चैप्टर बचा हुआ है जिसका नाम है बिजनेस साइकिल। कितने बज गए? 8:30 ही बजे, नहीं आधे घंटे में नहीं होता, नहीं होता, वो भगाना है तो कुछ भी कर सकते, लेकिन नहीं होता, आधे घंटे में नहीं होता, उसको कम से कम 1.5 घंटा लगता है पूरा चैप्टर विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, 1.5 घंटा लगता है, 1 घंटा पढ़ाने के लिए, 15-20 मिनट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराने के लिए। थोड़ा शुरू करते, क्या करेंगे, अभी करना ही पड़ेगा ना, टाइम बहुत बच गया, आधी घंटा बचा है। ठीक है, एक काम करता, 10-15 मिनट पढ़ाता हूँ, फिर लगे 10 मिनट पहले ब्रेक दे देता आपको, ठीक है ना। चलिए 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बिजनेस साइकिल। इससे आसान चैप्टर नहीं है, इसमें से आएगा ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मार्क का, आसान से ये लोग ज़्यादा नहीं पूछते, ठीक है। इसमें एक ही चीज़ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर, कोइंसिडेंट इंडिकेटर, वो कन्फ्यूजन होता है हमेशा, वो कन्फ्यूजन वाला पार्ट आज शायद आएगा ही नहीं हमारा, जब आएगा जब बताऊंगा आप लोगों को, आज नहीं आएगा, आज वो कन्फ्यूजन तक रोक देता हूँ, कन्फ्यूजन के जहाँ से शुरू होगा, कल फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे। कल छुट्टी है, परसों पढ़े हैं। अब अपना देखिए, कल के दिन, कल तो छुट्टी है, परसों के दिन अपना इकोनॉमिक्स कंप्लीट भी हो जाएगा और BCK की बुक साथ में लेके आना, क्योंकि 2 लेक्चर है, थोड़ा BCK हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए बिजनेस साइकिल की बात करते हैं। पहले से बिजनेस साइकिल क्या होता नहीं पता, डिप्रेशन, रिसेशन और इन्फ्लेशन के बारे में। अभी मंदी, मंदी सुन रहे आप, मंदी है, मंदी है, और मंदी के बाद क्या आता, आप सीजन देखिए, सबसे पहले आता आपका जनवरी से स्टार्ट करें तो विंटर सीजन रहता है, विंटर के बाद क्या आता, समर, समर के बाद क्या आता, रेनी सीजन, रेनी सीजन में पत्ते सब झड़ जाते हैं, विंटर में पत्ते झड़ जाते हैं, फिर वो पत्ते नए लगते, ये सब सीजन चलता रहता, चलता रहता। विंटर के बाद कभी ऐसा सुना कि बारिश आएंगी, विंटर के बाद सर समर नहीं है, हाँ कि ना। वैसे ही इकोनॉमी नीचे गई है तो ऊपर तो आएंगी ही ना, हाँ कि नहीं। अब टाइम कितना लगता ये नहीं बता सकते, आई बात समझ में। वैसे ही ये बिजनेस साइकिल्स के बारे में बहुत आसान है। ऑल कंट्रीज हैव गॉन थ्रू फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दैट इज अप्स एंड डाउन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन अदर वर्ड्स, एवरी कंट्री प्रोसेस थ्रू अ पैटर्न वेर देर आर पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फॉलोड बाई पीरियड ऑफ स्लो ग्रोथ इवन फॉलिंग ग्रोथ। या तो ऊपर जा रहे स्लो ग्रोथ हो रही, या उल्टा नीचे भी आ रहा है, ऐसा इस पीरियड को डाउन टर्न्स बोलते हैं। Thus, business cycle is a periodic fluctuation in economic activity measured by change in real GDP. Real यानी current price होता है। GDP हम लोग कई बार बोलते हैं ना, GDP कम हो गया, ज़्यादा हो गया, तो इसी से हम हमारी economic growth को measure करते हैं, economic activity। GDP कम मतलब there is slow down in economic growth, and GDP ज़्यादा मतलब there is good economic growth। But what is GDP? GDP मतलब the value of goods and services produced within the domestic territory of our country।
जो अभी हमारे कंट्री में गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं मतलब हमारे कंट्री में डिमांड है, डिमांड है मतलब रिसेशन है क्या? नहीं है। और ये कम हो रहा है मतलब हमारे यहाँ पे रिसेशन है, डिमांड नहीं है, सप्लाई ज़्यादा। समझ आई बात? अब ये रिकरेंट है, बार बार आते रहते हैं और पीरियोडिकली आते हैं, कोई रेगुलर इंटरवल नहीं है। और कई कभी भी इनकी लेंथ सेम नहीं रहती, कभी बारिश डेढ़ महीना चलती है, कभी दो महीना चलती, सेम रहता क्या लेंथ? नहीं, वैसे इसकी लेंथ भी सेम नहीं रहती। काम की चीज़ें, पहला चार फेज रहते हैं, एक रहता है एक्सपांशन का, एक रहता है पीक का, एक रहता है कॉन्ट्रेक्शन और एक रहता है ट्रफ। अब ग्राफ को भी साथ साथ में देखिए। ट्रफ यानी क्या हुआ बेटा? सबसे नीचे वाला, बहुत भयंकर मंदी। मंदी के बाद क्या स्टार्ट होगा? फिर से सर एक्सपांशन आएगा, बूम आएगा, रिकवरी भी बोलते हैं, अपस्विंग भी बोलते हैं इसको। फिर चला गया पीक पे, पीक को भी बूम भी बोलते, प्रॉस्पेरिटी भी बोलते, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे। नीचे आ रहा मतलब वापस कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ, कॉन्ट्रैक्शन बोलो या रिसेशन बोलो या डाउन स्विंग बोलो, वापस आएगा ट्रफ, इसको डिप्रेशन भी बोलते हैं। फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, ऐसा होगा, और ये जो लाइन है इसको बोलते हैं टाइम लाइन, टाइम लाइन, टाइम ट्रेंड। समझ आया? आसान? अब आगे देखते हैं। बस बेटा ये ध्यान में रखना है इनके नाम, एक्सपांशन को बूम भी बोलते हैं, रिकवरी भी बोलते हैं, अपस्विंग भी बोलते हैं, पीक बूम प्रॉस्पेरिटी कॉन्ट्रैक्शन रिसेशन डाउन स्विंग ट्रफ और डिप्रेशन। बराबर है? चलिए आगे चलेंगे। अभी जितना बड़बड़ किया वो सब यहाँ लिखा हुआ है, एक बार पढ़ते हैं। इन द फिगर अबव फोर फेसेस ऑफ बिजनेस साइकिल आर शोन। द ब्रोकन लाइन रिप्रेजेंट द लॉन्ग टाइम ग्रोथ ट्रेंड और पोटेंशियल GDP। इट शोज राइजिंग ट्रेंड ग्रोथ ओवर अ टाइम पीरियड ऑफ टाइम। ये लाइन दी हुई है, ये टाइम पीरियड है, इसके ऊपर जा रहा कि नीचे आ रहा, इससे पता चलता है हमको पीक पे जा रहा, कॉन्ट्रैक्शन पे जा रहा, रिसेशन पे जा रहा, ट्रफ पे जा रहा, एक्सेट्रा। द फर्म स्टार्ट्स थ्रू ट्रफ फ्रॉम थ्रू, ये ट्रफ लिख स्पेलिंग गलत है, फर्म स्टार्ट फ्रॉम ट्रफ व्हेन ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट इज लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट आर एट लोएस्ट लेवल। विथ इंक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी द इकोनॉमिक मूव्स इनटू एक्सपांशन फेज। But expansion phase cannot continue indefinitely and after reaching peak economy starts contracting, that is contraction phase sets in and continue till it reaches the lowest turning point called trough. Here cycle completes and new cycle starts. समझ आई बात? यहाँ से शुरू होगा, expansion होगा, peak पे जाएगा, वापस contract होगा, वापस trough, एक cycle complete हो गई। आई बात समझ? एक्सपांशन मतलब क्या, पीक मतलब क्या, ट्रफ मतलब क्या और कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या, ये चार चीज़ में देखना है। एक्सपांशन में क्या क्या होता है बोलो? आउटपुट कम ज़्यादा होता कि कम होता कि ज़्यादा होता? हर चीज़ बढ़ती है एक्सपांशन विद द इंक्रीज इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, इंक्रीज इन कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग, इंक्रीज इन सेल प्रॉफिट स्टॉक प्राइस, एक्सपेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट, इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सब चीज में इंक्रीज। देर इज नो इन वॉलेंटरी एंड एम्प्लॉयमेंट, कोई भी खाली नहीं बैठा है, हर आदमी को काम मिलता है। देर इज ओनली फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल यानी जबरदस्ती है और स्ट्रक्चरल मतलब कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर कमज़ोर हो सकता है, कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चरली कमजोर कम हो सकती है एम्प्लॉयमेंट, लेकिन वॉलेंटरीली कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है, सबके पास काम रहता है क्योंकि एक्सपांशन का फेज चालू हो गया। द ग्रोथ अल्टीमेटली शोज डाउन एंड रीचेस इट्स पीक। ग्रोथ कहाँ तक जाती है? पीक तक जाती है। और पीक में क्या होता है? इट इज़ द हाइएस्ट पॉइंट प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम लेवल ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी का मैक्सिमम लेवल है ये। इकोनॉमी बिकम्स ओवरहीटेड एंड अनस्टेबल। यहाँ पे इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाएंगी क्योंकि अब यहाँ रुकेंगी नहीं, नीचे आएंगी। द एक्सपांशन फेज एंड्स हियर। द प्राइजेस ऑफ इनपुट इंक्रीजेस रिजल्टिंग इन हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लीडिंग टू हायर आउटपुट प्राइजेस। पीक पे मतलब प्राइजेस हायर है। Higher output price leads to increased cost of living, fixed income earners and consumers suffer. ये क्या होता है? Higher output,
आपकी इनकम फिक्स्ड है 1,00,000 रुपया महीना, और जो चीज़ आप खर्चा करते थे उसका पहले प्राइस था 50,000, आप 50,000 सेविंग करते थे, आपका काम चल रहा था। अब हो क्या रहा है, इकोनॉमी पीक पे आ गई, पीक पे आ गई मतलब हर चीज़ के भाव बढ़ गए, यानी अब वो 50 नहीं, अब हर चीज़ का भाव हो गया 70,000 रुपया। आपकी इनकम क्या है, आप फिक्स्ड इनकम अर्नर हो, सैलरी तो फिक्स्ड है, तो आपको नुकसान होगा कि नहीं होगा। पहले 1,00,000 रुपये कमाता था, अभी भी 1,00,000 कमाता हूँ, लेकिन पहले 50,000 खर्चा होते थे, अभी 70,000 खर्चा हो रहा है, तो फिक्स्ड इनकम अर्नर के लिए ये तकलीफ होती है। आई बात समझ, और वेरिएबल इनकम अर्नर के लिए इनकम भी बढ़ती है। इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेबलाइज एट पीक एंड देन स्टार्ट डाउन स्विंग, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, बिल्कुल इसका अपोजिट है एक्सपांशन का। ये सब इंक्रीज 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 लिखा है, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, फॉल 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 फॉल, हर चीज फॉल होगी। फॉल इन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉल इन लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, फॉल इन इनकम ऑफ द पीपल, डिमांड एंड कंजम्पशन ऑफ बोथ कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स फॉल, बैंक क्रेडिट श्रिंक्स एज इन्वेस्टमेंट फॉल, स्टॉक प्राइजेस फॉल, फर्म बिकम पेसिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर। पेसिमिस्टिक मतलब डर लगता है उनको फ्यूचर का। दिस देर इज लॉट ऑफ एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी इन इंडस्ट्री, देर इज अ लार्ज स्केल ऑफ इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, लार्ज लेवल पे बढ़ेगा। अ सीवियर कॉन्ट्रैक्शन और रिसेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी पुशेस द इकोनॉमी इन टू डिप्रेशन। इसके बाद आता है ट्रफ। अब ट्रफ में क्या होगा, द लोएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कॉल्ड ट्रफ और डिप्रेशन। All economic activity touch the bottom and phase of trough is reached. Trough is the turning point into expansion. बराबर है, ट्रफ पे ही जाके टर्न होके वापस एक्सपांशन स्टार्ट होगा। Therefore, industry expand production and start using their idle production capacity and rate of unemployment falls with the cycle is complete. It is difficult to predict the turning point. ये कब तक ट्रफ का फेस रहेगा ये मालूम है क्या, नहीं, ये 1 साल भी रह सकता है, 6 महीने भी रह सकता है, 4 महीने भी रह सकता। जैसे ही बढ़ना स्टार्ट हुआ उस पॉइंट को बोलेंगे हम टर्निंग पॉइंट। क्वेश्चन आ सकता है इस पर, टर्निंग पॉइंट, दो टर्निंग पॉइंट रहते, एक पीक से कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जाना, एक ट्रफ से एक्सपांशन की तरफ जाना। ये देखिए, इन दोनों को मैं टर्निंग पॉइंट बोलूँगा, ट्रफ से एक्सपांशन की तरफ भी टर्निंग पॉइंट है, पीक से कॉन्ट्रैक्शन की तरफ भी मेरा टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। चेंजेस इन डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज यूज टू मेजर टू बिजनेस साइकिल एंड प्रिडिक्ट इन विच डायरेक्शन ऑफ द इकोनॉमी इज हेडेड। ये चीज यहाँ पे आती है, तीन इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो हमको बताते हैं, एक है लीडिंग, एक है लैगिंग, एक है कोइंसिडेंट। चलिए ये तो पढ़ा ही देता हूँ, लीडिंग लैगिंग कोइंसिडेंट आराम से हो जाएगा आज, थक गए, पढ़ा दूँ, हाँ कि ना, बस इतना ही ले लेता जान, लीडिंग लैगिंग कोइंसिडेंट। लीडिंग मतलब क्या, सबसे पहले इसके डेफिनेशन पढ़ो एक बार, लीडिंग की आप पढ़ो। लीडिंग इंडिकेटर्स चेंज बिफोर इकोनॉमी इटसेल्फ चेंजेस, दैट इज चेंज प्रायर टू लार्ज इकोनॉमिक एडजस्टमेंट। बारिश आई, रबी बारिश आई, उसका लीडिंग इंडिकेटर क्या हुआ था, सबसे पहले क्या आए होंगे, बादल आए होंगे, बहुत सारे बादल ही आए, बेटा चिंता मत करो, बिजली नहीं कड़की, बादल आ गए बहुत सारे। ये क्या है, क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि बारिश आने वाली है, और बारिश आई तो इसके पहले क्या हुआ था, बादल आए थे, यानी लीडिंग इंडिकेटर क्या हुआ, बादल का आना। बारिश आने का लीडिंग इंडिकेटर क्या हुआ, बादल का आना, बादल आए लीडिंग आए। चेंजेस इन स्टॉक प्राइसेस, प्रॉफिट मार्जिन एंड प्रॉफिट, इन हाउस मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, ये सब चेंज होता है, ये सारे लीडिंग इंडिकेटर है, विच शुड बी यूज्ड विद कॉशन एज दे मे नॉट बी ऑलवेज एक्यूरेट। प्रोडक्शन कम ज़्यादा, लोगों का प्रोडक्शन कम हो रहा, कम हो रहा, कम हो रहा, लोगों की इनकम कम हो रही, कम हो रही, कम हो रही, तो ये किस चीज़ की निशानी है कि इकोनॉमी में डिप्रेशन आने वाला है।
इसको क्या बोलते हैं? लीडिंग। इसका अपोजिट है लैगिंग। लैगिंग मतलब पीछे देखते हैं, और कोइंसिडेंट मतलब एक साथ, एक साथ। ठीक है, मैंने आपको झापड़ मारा, आपने दूसरा लगा दिया, इसको बोलते एक साथ कोइंसिडेंट। ठीक है, पहले लैगिंग। लैगिंग इंडिकेटर यूजुअली चेंज आफ्टर इकोनॉमी एज अ होल चेंजेस। ये बाद में होने वाला है। अब बारिश आने के बाद क्या होगा? पानी जमा होगा, कीचड़ होने वाला है। ये क्या कौन सा इंडिकेटर है? लैगिंग। आप रास्ते से जा रहे हो, आपको बहुत कीचड़ दिखता है, तो आपने क्या अंदाज लगाया? कीचड़ है मतलब बारिश हुई होगी। कीचड़ रहना इज द लैगिंग इंडिकेटर ऑफ बारिश हुई होगी, एंड बादल आना इज द लीडिंग इंडिकेटर ऑफ बारिश होगी। समझ आया क्या? पहले का रहता, बीच में कुछ तो भी होता, और वो बात का रहता। क्लियर है? अब ऐसे ही ध्यान में रखना, और एग्जाम में मल्टीपल चॉइस सोच करना, ये बारिश को ध्यान ला लेना, लीडिंग क्या, लैगिंग क्या। समझ नहीं कर रहा? ऐसे ही समझेगा। अब देखो, आफ्टर द रियल आउटपुट चेंजेस, लैगिंग इंडिकेटर आर यूजफुल टू कंफर्म द बिजनेस साइकिल। स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था, नीचे जाते ही जा रहा था, जाते ही जा रहा था, एकदम नीचे चला गया। अब आपके लिए क्या इंडिकेशन है ये? नहीं पैसे डालो, नहीं वो तो है ही। अब आपके लिए इंडिकेशन क्या है? ये क्या हो गया? पीक है कि ट्रफ है? ट्रफ वाला फेज आ गया। अब ट्रफ फेज के बाद एक्सपांशन ही होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने वाला। आई बात समझ में? तो ये आपके लिए एक इंडिकेटर है। अनएम्प्लॉयमेंट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंटरेस्ट रेट, लेंडिंग बाय बैंक्स, ये सारे चीज़ें होते हैं आपके लैगिंग इंडिकेटर। क्योंकि रिसेशन आने के बाद क्या होता है? जैसे इन्फ्लेशन आया, मान लीजिए इकोनॉमी बूम पे चली गई, अब क्या हुआ? प्राइसेस बढ़ गए, इन्फ्लेशन आएगा। इकोनॉमी बूम पे जाएंगी तो इन्फ्लेशन आया, तो ये इन्फ्लेशन ये किस चीज़ का इंडिकेटर है? कि पहले इकोनॉमी पीक पे आ चुकी थी। आई बात समझ? कोइंसिडेंट मतलब एक साथ। इंडिकेटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉन्करेंट, अकर अबाउट द सेम टाइम विथ बिजनेस साइकिल मूवमेंट। दिस गिव्स आइडिया अबाउट करंट स्टेट ऑफ इकोनॉमी। बिजनेस अच्छा चल रहा है तो GDP ज़्यादा दिखाएगा, इन्फ्लेशन ज़्यादा दिखाएगा, इंडस्ट्रियल आउटपुट ज़्यादा दिखाएगा, पर्सनल इनकम ज़्यादा होगी। यानी अच्छी चल रही है तो साथ में ये इंडिकेटर भी इमीजिएटली चेंज हो जाएंगे। और बिजनेस अगर कम हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो तुरंत GDP में चेंज आएगा, GDP भी कम हो जाएगा। साथ में होता है, लॉन्ग टाइम में नहीं होता। समझ आया? लीडिंग, लैगिंग, कोइंसिडेंट, इनके सब क्वेश्चन हम करने वाले, तब आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ रुकता हूँ। अब इसके बाद थोड़ा थेरोटिकल पार्ट है, सिंपल है। थेरोटिकल पार्ट पढ़ के हम लोग कल ये मंडे को, सॉरी वेडनेसडे के दिन ये कंप्लीट करके साथ में BCK की बुक लेके आना। ठीक है, चलो बाय।